any change in the situation? No, sir. वो अभी तक जिद पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि उनके साथी को उन तक न पहुंचाया गया। Oh, damn it! ऐलान कर दो, उनका साथी हम उन्हें वापस करने के लिए तैयार हैं। लेकिन सर आप जानते हैं ये शख्स कितना खतरनाक स्मगलर है। इसने हमारे चीफ मिस्टर गुप्ता को किस बेरहमी से गोलियों से छलने कर दिया था। अदालत इसे फांसी का हुक्म दे चुकी है। आई नो इट, आई डो इट, बट डैम इट, इसके अलावा हमारे पास दूसरा रास्ता भी क्या है। इस एक मुजरिम की खातिर मैं उन 50 निर्दोष विदेशी मेहमानों की कुर्बानी नहीं दे सकता। यह हमारे देश की इज्जत का सवाल है। कह दो उनसे हमें उनकी शर्त मंजूर है। Bring him out. Come on, quick. Hey, उधर देखो। अरे गरम क्यों होते हो भाई, इस मौसम में ठंडा शरबत पी लो। अरे मेरी गाड़ी, अरे मेरी गाड़ी, गाड़ी मेरी गाड़ी को पकड़ो, अरे मेरी गाड़ी, मेरी गाड़ी को पकड़ो, अरे मेरी गाड़ी, अरे मेरी गाड़ी। There is crime reporter sir. नए साल का तोहफा मुबारक हो। David, Raghavan, yes sir. लगा दो गाड़ी से भी। No, is he a real hero? Oh, एक कोशिश नाकाम हुई तो क्या हुआ? हम अपने भाई को फांसी के तख्त से बचाने के लिए अपनी जान की बाजी तक लगा देंगे। क्यों विचार? Fikir not, boss. वो एक crime reporter, पता है इसमें कहां से टपक पड़ा? नहीं तो आज ये सब काम एकदम टिच करके फिट हो जाए। Who is this? Bloody kind reporter! बराबर कुछ नहीं। जब कारनामा दिखाने का मौका आता है तो चुपके से मेरा कैमरा उठाकर कारनामा दिखाकर वापस चले आते हो। अरे मेरे सर जेम्स बॉन्ड, मैं भी तुम्हारा असिस्टेंट हूँ, कोई घसियारा नहीं हूँ, मेरा भी नाम होना चाहिए कि नहीं? देखो मिस्टर कन्हैया, बात दरअसल यह है कि तुम्हारा कैमरा मेरे लिए बहुत लकी है। हाँ। और मैं और तुम घसियारे। व्हाट? मे आई कम इन? आओ आओ विजय आओ, तुमने तो कमाल कर दिया। अभी अभी तुम्हारी और स्मगलर्स के टक्कर की रिपोर्ट पढ़ रहा था मैं। फैंटास्टिक, जिंदगी में तुम कहां से कहां पहुंच गए। मैं किस काबिल हूं, आज मैं जो कुछ भी हूं, जिस जगह भी हूं, आपकी मेहरबानी से हूं। अगर बचपन में आपने मुझे सहारा न दिया होता
तो संदेश का क्राइम रिपोर्टर होने की बजाय ये अखबार किसी फुटपाथ पे बेच रहा होता। मैं सच कहता हूँ राय साहब, आपने क्या कहा? राय साहब, अंकल से राय साहब हो गया? यू कैन गो। आई एम सॉरी अंकल। हेलो। हाँ, मैं बोल रहा हूँ आनंद। विजय मेरे पास ही खड़ा है। अच्छी बात। क्या बात है अंकल? विजय, तुम्हारी माँ जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही है। चलो। क्या सोच रहे हो विजय? जी कुछ नहीं। मैं जानता हूं तुम क्या सोच रहे हो। तुम यही सोच रहे हो ना कि तुम्हारी सौतेली माँ ने बचपन में तुम पर क्या क्या जुल्म नहीं किए, अपने सगे बेटे से प्यार किया और तुमसे नफरत है। लेकिन बेटा, आखिरी वक्त में ये सब तुम्हें भूल जाना चाहिए। कुछ भी हो, माँ फिर भी माँ होती है। माँ, 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 विजय मेरे बच्चे, सिर्फ तुझे देखने के लिए अभी तक मेरी सांस सट गई थी। एक बार कह दे कि तूने मुझे माफ कर दिया। मेरे दिल में सदा आपके लिए इज्जत रही है माँ। ऐसी बातें करके मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। बस बेटा, मरने से पहले तुमसे एक वचन चाहती हूँ। बोलो, बोलो दोगे? ऐसी बातें मत करो माँ। आप जो कहेंगी वो मेरे लिए जिंदगी का मकसद होगा। बेटा, आनंद बहुत भूला है। दादान है, बच्चा है, इसी लाखों की जायदाद का वारिस है। जब तक ये अपनी जिम्मेदारी संभालने के काबिल ना हो जाए, तुम्हें इसका तमाम बोझा तुम्हें को उठाना होगा। हाँ माँ, मैं वचन देता हूँ। देखो, इसे मैं दुनिया में सिर्फ तुम्हारे सहारे छोड़े जा रही हूँ। अब से तुम ही इसके सब कुछ हो माँ। इसके बाप, इसके भाई, इसकी माँ। भैया मत जाओ भैया, अगर तुम चले गए तो मेरे लिए चॉकलेट कौन लाएगा? अरे पगली हो तुम तो। मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ, शहर छोड़कर थोड़ी जा रहा हूँ। रोज आऊंगा और रोज अपनी गुड़िया के लिए चॉकलेट लेकर आऊंगा। खुश? मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं विजय, लेकिन पता नहीं ऐसा महसूस होता है तुम चले जाओगे तो आ जाएगा। आप लोग तो इस तरह ड्रामा कर रहे हैं जैसे विजय साहब घर छोड़ के लड़ाई के मैदान में जा रहे हैं और वहाँ से वापस लौटने की कोई उम्मीद ही ना हो। कैसे मनुष्य बात कर रही हो लक्ष्मी? बात बुरी लगी? लगनी ही चाहिए। पर कुछ भी कहो डैडी, पापन तो हिपोक्रेट नहीं है। हम तो आपके जाने से बहुत खुश हैं मिस्टर विजय। आखिर आप ये घर छोड़कर अपने घर तो जा रहे हैं। मुबारक हो। ओहो, मैं तो भूल ही गई, बरसों एक ही छत के नीचे रहे, फिर भी अजनबी। बाय बाय। जब देखो रास्ता रोके बैठी रहती है। हट भैया। अरे अरे नहीं 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 बाबा, नहीं रोते नहीं। जब देखो तुझे मुझे डांटती रहती है। डैडी आप ही कहिए इसमें क्या मेरा दोष है? यही है ना कि मैं चल नहीं सकती। ऐसा नहीं कहते बेटी, ऐसा नहीं कहते। चलो चलो आंसू पहुंचो। चलो अच्छा ही हुआ, कम से कम किसी के आंसू पोंछने के बहाने तो आप इस घर में आते ही रहेंगे। What? अंकल आपसे कितनी बार कहा है कि आप चिल्लाए मत कीजिए, आपकी सेहत के लिए बिल्कुल ठीक है। मेरी सेहत बिल्कुल ठीक है डैमिट, मुझे तो शक है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मेरे शहर में इतना बड़ा रैकेट चल रहा है, वो भी पुलिस की आंखों के नीचे, मुझे पता ही नहीं। इम्पॉसिबल। मैं जानता था आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन विजय बिना सबूत के किसी काम में हाथ नहीं डालता। कमिश्नर साहब, आज रात ठीक 10 बजे अपनी पुलिस फोर्स को भेज दीजिएगा। पता है न्यू एम्प्रेस कोर्ट, 3rd फ्लोर, फ्लैट नंबर 7। न्यू एम्प्रेस कोर्ट, 3rd फ्लोर, फ्लैट नंबर 7।
एक एक को गिरफ्तार कर लो, कोई बचकर जाने न पाए। अरे इंस्पेक्टर साहब, आपने कैसे तकलीफ की इतनी रात को? तकलीफ तो तुम्हें हो रही है हमें यहाँ देखकर। अजी क्या बात कर रहे हैं, आपको देखकर तो मेरे चेहरे पर रौनक आ जाती है। हाँ जरा वजन कम हो जाता है। अच्छा ये बताइए क्या पिएंगे, ठंडा या गर्म? बात मत करो, जरा आहिस्ता से बात कीजिए, ये शरीफों का मोहल्ला है। तुम्हारी जैसी शरीफ औरत यहाँ पर क्या शराफत का धंधा करती है ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। कांस्टेबल गिरफ्तार करो। चलो शराब। चल अंदर, चल अंदर, चल, बहुत फोटो हो गया। मैनी मैनी थैंक्स विजय, आज तुम्हारी इंफॉर्मेशन की बदौलत हम लोग ये गंदगी साफ कर सके। इसमें शुक्रिया की क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, आपका काम हो गया और आपके काम के साथ साथ लगे तो मेरा काम भी हो गया। अरे हाँ, कमिश्नर साहब से मेरा सलाम कहिएगा। ओके बाय। छुपने से कोई फायदा नहीं, सामने आ जाओ। दरअसल बात यह है, मैं उधर सूरत से शरीफ लड़की नजर आती, शर्म नहीं आती ऐसे काम करते हुए? गाड़ी रोकिए। तुम्हारा रात का धंधा तो समझ में आ गया, दिन को क्या करती हो? आप गाड़ी रोकेंगे हमें? अगर चलती गाड़ी से कूदने का इरादा है तो मेरा फर्ज बनता तो मैं समझा दूं, हड्डी पसली नहीं बचेगी। विल यू शट अप एंड प्लीज स्टॉप द कार। पढ़ी लिखी हो ये जानकर और दुख हुआ। और मुझे दुख है आपकी समझ पर, आपने मुझे उस बिल्डिंग से बाहर निकलते हुए देखकर ये समझ लिया कि मैं भी उन्हीं लड़की में से एक हूँ। शुक्र है आपने मुझे किसी राजमहल से बाहर निकलते हुए नहीं देखा, वरना कोई राजकुमारी समझ लेते। एनी हाउ थैंक यू फॉर द लिफ्ट। नमस्ते अंकल, आपने क्या बात है, आप परेशान दिखाई दे रहे हैं। नहीं तो तुम्हारे होते हुए मुझे किस बात की परेशानी? नहीं अंकल, मैं कई बार देख चुका हूँ आप इन्हीं दिनों में लखनऊ जाते हैं और जब वापस लौटते हैं तो आपका चेहरा मुरझाया होता है, बताइए ना क्या बात है? तुम रिपोर्टरों की एक बुरी आदत है, हर चीज को शक की नजर से देखते हो, और फिर तुम क्राइम रिपोर्टर हो, कहीं मुझे मुजरिम तो नहीं समझ रहे हो? आप चलिए मैं सामान लेकर आता हूँ। अच्छा चलिए। कुली अरे भाई जरा देख कर चला करो। अरे विजय क्या हुआ अंकल, वो काले कपड़ों वाला एक डबल कर भाग रहा है। के साथ उस्तादी महंगी पड़ेगी, निकल ये रहा। चोर कहीं का, अपने बाप का माल समझ के लिया था,
अरे इतने लंबे चौड़े जवान हो, चोरी करते शर्म नहीं आती? कोई अच्छा काम नहीं कर सकते? अंकल ऐसे लोग एक ही काम अच्छी तरह कर सकते हैं और वो है जेल में चक्की पिसना। चलो पुलिस स्टेशन। चलो दो बेटा, लगता है किसी शरीफ खून में गंदी नाली का पानी मिल गया है। मुझे मेरी बेटी का हार मिल गया, मेरे लिए बहुत। जा। ओ डैडी। तुझे पसंद आया बेटी? हाँ, आप कितने अच्छे हैं। इस घर में बुरी तो सिर्फ मैं ही हूँ ना, जिसे देखो इन्हीं के नखरे उठाने के लिए तैयार है। हेलो लक्ष्मी, कैसी हो? अगर कहूँ कि बहुत परेशान हूँ, दुखी हूँ, मौत के इंतजार में जिंदा हूँ, तो कुछ मदद कर सकेंगे आप? ये तुम कैसी बातें कर रही हो बेटी? डैडी दुनिया की रस्मों रिवाज भी अजीब है, मिलो तो लोग पूछेंगे जरूर कैसी हो, ठीक तो हो, कोई तकलीफ तो नहीं, लेकिन क्या ये सब पूछने से किसी को कुछ मिल जाता है? सबसे नसीबदार तो आपकी बेटी है, जिसे बिना पूछे ही सब कुछ मिल जाता है। बेटी मैंने तुम्हें भी तो कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया, तुम अपनी मर्जी के खुद मालिक हो, जो चाहो जब चाहो जाकर खरीद सकती हो। अगर रानी के लिए मैं एक नेकलेस लेकर आया हूँ। नाराज क्यों होती हो दीदी, ये नेकलेस तुम्हें पसंद है तो तुम ले लो। जो चीज मुझे पसंद है उसकी भीख लेने की मुझे आदत नहीं, समझे? कर दी ना खटिया खड़ी, एक ही तो निशानी बची थी तुम्हारे भाई की, उसकी भी बोलती बंद कर दी। भाभी मैं कहती हूँ जब तुम्हें दिखता नहीं तो इधर उधर हाथ पांव मारने की जरूरत क्या थी? मुझसे भूल हो गई। क्या बात है मामी, इतना शोर क्यों मचा रही हो? तू आ गई बेटी, बड़ी देर लगा दी, नौकरी मिली? अरे वो तो शक्ल से ही पता चल रहा है किसी की खटिया खड़ी करके आ रही है। जवान जहाँ छोकरी, दिन तो दिन, रात रात भर न जाने कहाँ मारी मारी फिरती है, और बहाना नौकरी ढूंढने का। वारी छोकरी वारी नौकरी। बेटी तूने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। क्या जवाब तुम्हारा, अपनी गरीबी की चादर तो पहले से उतारता रहे, इससे ना तुम्हारे आंसू पोछ सकती हूँ ना अपने। जहाँ नौकरी के लिए गई थी वह मामला ही कुछ और था, बस यू समझो किसी तरह अपनी इज्जत बचा कर आ गई। क्या? हाँ। आज जवान भाई के होते हुए भी तुझे कहाँ कहाँ ठोकरे खानी पड़ रही है। मैं तो हूं ही अंधी, मेरे नसीब में तो ठोकरे लिखी ही है, पर तूने क्या कसूर किया है? भगवान को तुझ पर तरस क्यों नहीं आता? मैं जाने वो कब सुनेगा हमारे। माँ भगवान सुने या ना सुने, माँ मैं तेरी बात जरूर सुनूंगा। माँ भैया इतने इतने दिन कहाँ गायब रहते हो, हम सब इन लोग को मन नहीं करता है क्या? मन तो बहुत करता है सरोज, लेकिन क्या है कि बहुत जरूरी काम में लगा रहता हूँ ना, उधर से इधर के चक्कर में फुर्सत ही नहीं मिलती। अच्छा बस की कंडक्टरी कर ली है या रेलवे में भर्ती हो गए हो? बस यूं 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 ही सोच लो कि दोनों जगह के चक्कर है। माँ ये रख 100 रुपए, और सरोज आज के बाद तुझे कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। अगर मेरा काम चल पड़ा ना तो देखना मैं तुझे क्या से क्या बना दूंगा। जिसे बनाकर आ रहे हो चल के पहले उसका हिसाब तो साफ कर दो। क्या हुआ? क्या बात है? क्या क्या है मेरे भैया? चोर है, अभी थोड़ी देर पहले एक बस स्टॉप से एक सेठ का बटुआ चुराकर चंपत हो गया था, लेकिन बरखुरदार कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। चलो पुलिस स्टेशन। पुलिस साहब मेरे चंदू को छोड़ दीजिए, वो जंदी का यही एक सहारा है, ये फिर ऐसा कभी नहीं करेगा। मैं आपके पांव पड़ती हूं। मैं मजबूर हूं माँ जी, कुछ नहीं कर सकता, अब सब कुछ अदालत के हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं। चलो पुलिस साहब मेरी बेटी को ले जा रहे हो तो साथ साथ ये उसकी कमाई भी लेते जाओ। वाह 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 वाह, क्या खानदान जुड़ा है मेरी किस्मत के साथ, बाप पहले ही खटिया खड़ी कर गया, माँ अंधी, बेटा चोर, और बाकी बची तू। मेरे लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं मामी, दुनिया के इन ठोकरों ने मेरी हिम्मत को और मजबूत कर दिया है, बहुत ताकत है अभी मुझ में इस दुनिया से मुकाबला करने की। चलो माँ ये लीजिए 100 साल पुरानी। 16 साल के हाथ में 100 साल पुरानी। चल अंदर, अंदर चल, चल, चल सीधा सीधा चल। अरे चलो तुम है? ये तुम्हें दिन में रास्ता भूल जाने की आदत कब से पड़ गई है? हमने तुम्हें भेजा था कहीं और, तुम जा रहे थे कहीं और देख लो पहुंच गए हो कहीं और। बस मैं तो यही कहना चाहते हो ना, जिन जेल की सिलाखों के पीछे हमारा भाई मौत का इंतजार कर रहा है, उन सिलाखों तक तुम्हारे हाथ नहीं पहुंचे तो तुम्हारे कदम खुद बखुद पुलिस स्टेशन की तरफ तक भगा गए। यार तुम तो कारीगर आदमी हो, इतना भी नहीं सोचा हमारी आंखें शहर के
कोने कोने तक फैली हुई है। मैं सच कहता हूँ बॉस। देखा कि थी डार्लिंग, हमारे शालू को सच बोलने की बीमारी हो गई है, और सच बोलने वाला इंसान इस धरती पर खड़ा रहे हमें अच्छा नहीं लगता। एक दिन हमें तुम्हारे इन हाथों पर बहुत नाज था, लेकिन लगता है अब इन पर जंग लग चुका है और तुम्हारा ये दिमाग बेकार हो गया है, वरना हमसे गद्दारी के बारे में कभी नहीं सोचता। माफ कीजिए बॉस। कहते हैं किसी पवित्र जगह जाना हो तो जूते उतार के जाना चाहिए। किसी डार्लिंग, तेरे शालू के जूते तो उतार दो। हमें अपने भाई से बहुत प्यार है। हम जज रघुनाथ ने उसे फांसी की सजा दे दी है, हम उसे उस दुनिया में अकेले नहीं जाने देंगे। तुम्हें भी जाना होगा। बड़ी जल्दी चला गया, लेकिन अब इसकी कमी कौन पूरी करेगा? बॉस, भर्ती मास्टर के होते हुए फिक्र नॉट। नहीं तो कोई बात नहीं, दूसरा आंकड़ा फिट है। बॉस, आज तक ये छोकरा छोटी मोटी चोरी करता था, लेकिन अपन के काम के लिए एकदम फिट है। थोड़ा सा ठोक पीट के तैयार कर लेगा ना तो टिच करके फिट हो जाएगा। और खूबसूरत भी है। वो तो है। पीटर। यस बॉस। इसका सूरत बिगाड़ने में कितना दिन लगा? अरे बॉस, ये तो पीटर के बाएं हाथ की छोटी उंगली का खेल है। आज लॉकअप में है, कल यहाँ होगा और कुछ ही दिनों में। कुछ ही दिनों में नहीं, जल्दी। हमें अपनी डायरी से जज रघुनाथ का नाम मिटाने के लिए फौरन एक रबर की जरूरत है। आप भी कैसी बातें करते हैं मेहता साहब। गुंडों के डर से अगर मैं कानून के साथ नाइंसाफी करूं तो आप में और मुझ में फर्क रह जाएगा। जी जी। गुड इवनिंग अंकल। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग आनंद। विजय निया भैया जरा बिजी थे। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। शुक्र है तुम्हें तो आने की फुर्सत मिली। हैप्पी बर्थडे सुषमा, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू वेरी मच। चलो चलो, कॉलेज की पूरी टोली तुम्हारा इंतजार कर रही है। मेरा इंतजार? अरे हाँ भाई, सब जानने के लिए तड़प रहे हैं कि तुम्हारी और रूपा की शादी कब हो रही है। मेरी शादी और रूपा से? अरे सरोज, सरोज तुम ही हो ना? हाँ आनंद। बिल्कुल आनंद ही हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं जैसा कि छोटी बेटी की टीचर हूँ, बस दो तीन दिन में मुझे नौकरी मिली है। तुम नौकरी कर रही हो, क्यों? देखो आनंद, ये क्यों एक छोटा सा लफ्ज है, और कभी कभी छोटे से लफ्ज का जवाब देने के लिए लोग बड़ी बड़ी कहानियां लिख डालते हैं। तुम बिल्कुल वैसी हो सरोज, जरा भी नहीं बदली। तुम अपनी सुनाओ। स्कूल में तो मेरी कॉपियां नकल करके पास हो जाते थे, आजकल क्या? आजकल मैं बहुत सीरियस हो गया हूँ। अच्छा, कहानियां वानियां तो नहीं, छोटे मोटे गीत लिख लेता हूँ। वंडरफुल। अरे सुषमा इधर आना भाई, चमत्कार हो गया है। क्यों, क्या हुआ? सर शुरू हो गया मोहब्बत का, हजरत आजकल गीत लिखने लगे हैं। भैया तुम यहाँ, पुलिस ने तुम्हें छोड़ दिया? क्या बात है इंस्पेक्टर? सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर, एक मुजरिम पुलिस वैन से फरार होकर भागता हुआ यही कहीं आके छुप गया। क्या बोला? अरे भाई सुनना। भैया एक मुजरिम की बहन जज के घर नौकरी कर रही है, निकल जाओ यहाँ से इसी वक्त और नया कदम मत रखना। अंकल
सरोज के बारे में आप गलती कर रहे हैं। मैं सरोज को बहुत दिनों से जानता हूँ, हो सकता है ये उस शख्स को पहचानती ना। यही कहना चाहते हो ना? 20 बरस अदालत की कुर्सी में बैठा हूँ बरकरदार, एक एक की नजर को पहचानता हूँ। अरे तुम अभी तक यही खड़ी हो? आई से गेट आउट ऑफ माई हाउस। ये लो अपनी 3 दिन की तनख्वाह के पैसे। जज रघुनाथ किसी का कर्ज नहीं रखता। उठाओ इन्हें और निकल जाओ यहां से। भारी महफिल में किसी गरीब का इस तरह मजाक उड़ाना, आप अमीरों का समझिए हक है जैसा, पर मैं भी इतनी गिरी हुई नहीं हूँ कि आपके घर आऊं और आपकी बेटी को जन्मदिन का कोई तोहफा भी ना दे सकूं। इसे आप मेरी तरफ से तोहफा समझ कर रख लीजिए। सरोज, कितने दुख उठा रही हो तुम इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए? आनंद, जिंदगी के इस अंधेरे सफर में ये दुखी तो रह गए हैं मेरे साथी, इनका भी सहारा ना रहे कि तुम्हें तनाई के गम से घबरा कर मर ही जाऊं। क्या तुम इस दुनिया में अपने आप को इतना अकेला समझती हो? क्या कोई नहीं जो इस अंधेरे सफर में तुम्हारा साथी बन सके, तुम्हारा हाथ थाम सके? साथी बनना बहुत आसान है आनंद, पर साथ निभाना बहुत मुश्किल होता है। मैं तुम्हारी तरह गहरी बातें ना कर सकता हूँ ना समझ सकता हूँ। मैं तो बस इतना जानता हूँ, आज से तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे हर दुख में मैं तुम्हारे साथ हूँ। अरे ये क्या? इस दुनिया की हजारों ठोकरे मुझे नहीं रुला सके आनंद, पर आज तुम्हारी हमदर्दी के दो बोल मेरी आंखों में आंसू ले आए। चलो तुमने मुझे अपना तो समझा, आओ घर छोड़ दूं। हाँ। अंदर आओ, माँ से नहीं मिलना? माँ से तो मिलना ही पड़ेगा एक दिन, लेकिन आज नहीं। आज तुम एक काम करो, ये लो रखो, तुम्हारे काम आएंगे। अरे सोच क्या रही हो? ओह अच्छा बाबा, जब दूसरी नौकरी मिल जाएगी तो वापस कर देना। लो रखो रखो रखो। इतनी ताकत है मुझ में वापस करने की। थैंक यू आनंद, बाय। अच्छा तो ये नौकरी करने जाती है तू? हुआ क्या है मामी? मामी की खटिया खड़ी करने के बाद पूछती है हुआ क्या है मामी? शर्म नहीं आती है गुल खिलाते हुए? पहले तो सब काम छुप छुप कर करती थी और आज खुलेआम लोग चले आ रहे हैं कारें लेकर। ची 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 मामी। अरे चिल्लाकर मेरी जबान बंद कर सकेगी? अपने मुंह की कालक छुपा सकेगी? आज मुझे पता चला है, कल मोहल्ला जान जाएगा, परसों दुनिया जान जाएगी। क्या जान जाएगी दुनिया? बात क्या है सरोज? बेटी से क्या पूछती हो, मुझसे पूछो। मामी न सोचती हो न समझती, जो मुँह में है बक देती हो। अपने खानदान पर कीचड़ उछलती शर्म नहीं आती तुम्हें? सुनो और सुनो, शर्म तुम दोनों को आनी चाहिए कि मुझे? तमाशा तुम लोगों ने बना रखा है अपनी इज्जत का। इन्हें देखो, गले में मंगलसूत्र डाल रखा है, पति का पता ही नहीं, और बेटी पति के लिए दुनिया में घूम रही है और गले में मंगलसूत्र ही नहीं। भाभी माँ मा, तुम्हें कैसे बताऊं? मैं सब समझती हूँ बेटी। जब इंसान के दिन बुरे होते हैं ना, तो देखने वालों की नजरें भी बुरी हो जाती है। अंदर आ बेटी, अंदर आ। दुनिया चाहे मुझे कुछ भी कहे माँ, मैं हर जहर पीने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मामी जब तुम्हें इस मंगलसूत्र का ताना देती हैं, तो सचमुच मुझे बहुत बुरा लगता है माँ। पिताजी का तो कोई ठिकाना ही नहीं, फिर कैसा बंधन, इसे तोड़कर फिर क्यों नहीं देती? बेटी इसे तोड़ने का मन में विचार लाना भी पाप है। ऊपर उस भगवान के बाद औरत के लिए धरती पर उसका पति ही उसका भगवान होता है, और फिर भगवान जिसको इस बंधन में बांध ले वो कैसे तोड़ा जा सकता है? लेकिन माँ पति अगर ऐसा निकले? पति चाहे कैसा भी हो, लेकिन औरत के लिए उसका सब कुछ वही होता है। ये तुम आज नहीं बेटी, उस वक्त समझोगी जब तुम्हारे गले में कोई मंगलसूत्र पहनाएगा। आज से तुम्हारा समूचा दुख दर्द फिनी तो। बॉस अपन बोलता था ना, नंबर 9 बहुत बहादुर छोकरा है। नंबर 2। यस बॉस। हमारे नए मेहमान को अपने साथ ले जाओ, उसे सब कुछ समझा दो, हमारे बारे में, हमारे असूलों के बारे में भी। ओके बॉस। नंबर 7। यस बॉस। नंबर 9 का होलिया इस हद तक बदल डालो कि कल अगर ये पुलिस कमिश्नर साहब से भी हाथ मिलाए तो वो भी इसे ना पहचान सके। ओके बॉस।
चलो विजय। यस बॉस। इस नए पंछी को पुलिस के जाल से यहाँ तक पहुँचाने में बहुत थक गए होगे तुम। ये लो रॉयल सैल्यूट, तुम्हारे काम का इनाम। रॉयल सैल्यूट तो ये पीटर सैल्यूट। और जल्दी तैयारी करो। आज अगर जज रघुनाथ ने हमारे भाई के गले में फांसी का फंदा डाला है तो वो भी कल सुबह का सूरज नहीं देख सकेगा। अपने जाल में फंस जाए तो अपनी जिंदगी सुधर सकती है। तुम कुछ सुन भी रहे हो या मैं ऐसे बकबक कर रही हूँ? मैं सुनने से ज्यादा देखने में बिलीव करता हूँ। लड़का शक्ल सूरत से बुद्ध लग रहा था। ये जल्दी फंस जाएगा, सुनो टान लाओ। ये ले, काफी है भैया। यू आर ग्रेट। जरा पाँव बाहर निकालिए। क्यों? आज आपके पाँव छूने को जी चाहता है। बदमाश, शाम को जल्दी आना घर। अरे भूल गए आप, शाम को कॉलेज के एक स्टूडेंट्स की पार्टी है। ठीक है, रात को जल्दी आना कर। क्यों भाई, ले लिया भत्ता बड़े भाई से? बड़े बड़े शर्मन कुमार देखे, मगर अपने आनंद जैसा फरमा बरदार भाई मैंने आज तक नहीं। अरे छोड़ यार, कहे के फरमा बरदारी, भाई का चमचा है चमचा। क्या अरे आनंद, तू बुरा क्यों मानता है? हम लोग मजाक कर रहे हैं। खैर छोड़ इस बात को, ये बता प्यारे, तूने रात की पार्टी के लिए पार्टनर किसको चुना है? पार्टनर? हाँ यार पार्टनर। Come on, Ali. Come on. अरे फंस गया बेचारा। मैं अंदर आ गया हूँ चुपके से, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? जी नहीं। तो मैं उसको अंदर भेजता हूँ। किसे? वो जो आपको डिस्टर्ब करना चाहता है। आइए मिस्टर डिस्टर्बेंस, आइए। ये मिस्टर विजय, मिलिए इनसे। नमस्ते। नमस्ते कर रहे हैं।
आप यहाँ से बाहर जाइए ना, मुझे इनसे कुछ अकेले में बातें करनी है। जाइए। जाता हूँ भाई। मैं बैठ सकता हूँ? बैठिए। कहिए। कुछ कहने की बजाय अगर मैं आपको कुछ दिखाई दूं तो सारी बातें आपकी समझ में खुद ब खुद आ जाएंगी। ये मेरी छोटी बहन रूपा है और ये आपके छोटे भाई। ये दोनों इस तरह। अरे आप रो क्यों रहे हैं? बैठिए ना। आपके भाई साहब ने पहले मेरी बोली बाली बहन को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाया, फिर उसकी जिंदगी बर्बाद करके उसे पहचानता भी नहीं। जब उसने बेचारी रूपा का दिल तोड़ दिया तो वो दुनिया छोड़ने को तैयार हो गई, और आप कहते मैं रो भी नहीं। अजी रोना तो आपको भी आना चाहिए। हाँ, अगर ये सच है तो वाकई आनंद ने आपके साथ बहुत बड़ा जुल्म किया। मेरे साथ नहीं, मेरी बहन के साथ। आनंद ने जो नादानी की है उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आपसे। वो अभी बच्चा है, भूल हो गई है उससे। हाँ, अगर आप चाहें तो क्या आपकी बहन के गम के इलाज की कीमत दे सकता हूँ। मैं जानता था आप यही कहेंगे आप। जरा सुनो तो सही, क्या कीमत लगाई आपने हमारी इज्जत की? जो आप कहें। हाँ, अगर मैं कहूँ 50,000 रुपए। ये भी कम है। इतनी छोटी सी रकम आपकी बहन की इज्जत की कीमत नहीं हो सकती। फिर भी आपका बहुत बड़ा एहसान होगा अगर इस रकम के बदले आप सब कुछ भूल जाने की कोशिश करें। ठीक है, कोशिश करेंगे, करनी ही पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। एक मेहरबानी और करेंगे आप? फरमाइए। मुझे सिर्फ 2 दिन की मोहलत चाहिए, इतनी बड़ी रकम का इंतजाम करना है। परसों आप आइए और अपना लिफाफा ले जाइए। आपके लिए ये भी मंजूर है। अच्छा, मैं चलता हूँ। टाटा। क्या बात है सर जेम्स बॉन्ड, नरम सा आदमी गरम कर गया चुपके से, किस उलझन में पड़ गए? उलझन नहीं कन्हैया, तो एक मुश्किल आन पड़ी है। मुश्किल? क्या हुआ? जरा हाथ तो दिखाओ। तुम्हारे हाथ में तो शादी की लकीर ही नहीं है। तो क्या इनकार कर दिया उसने? अब क्या होगा? उदास क्यों होती हो रानी? कभी जिंदगी में 5,000 रुपए इकट्ठे देखे हैं? 5,000? हाँ, उम्मीद हो 5,000 की और मिल जाए 25,000 तो। 25,000 कहाँ है? अभी तो खाली लिफाफा भी हाथ नहीं आया। हाँ, बात पक्की कराया हूँ। 50,000 रुपया देने का वादा परसों के आनंद के बड़े भाई ने। बस 25 मेरे और 25 तुम्हारे। सच? बिल्कुल सच। उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी, लेकिन आनंद का बड़ा भाई तो एक नंबर का बेवकूफ निकला। मेरी एक्टिंग के सामने बिल्कुल फ्लैट हो गया। फ्लैट, अफसोस हो रहा है मुझे। उस वक्त मेरी जुबान से 50,000 रुपए के बजाय 1,00,000 रुपए निकलता तो तुम्हें पति न मिलने के गम में कम से कम मैं तुम्हें लखपति तो बना देता। लखपति? मैं? एक 10 रुपए दोगे? 10 रुपए? वो किस लिए? आज मैं बहुत खुश हूँ। 3 बजे का शो बॉबी देखूंगी। जब मेरे 25 मिलेंगे उसमें से 10 काट लेना। अरे 10 क्यों, आज तो तुम 20 लो और 10 के बजाय टैक्सी में जाओ। अरे you. तुम भी क्या याद करोगी, मेरे जैसा पार्टनर मिला था। अच्छा, अब मैं आइसक्रीम खाता हूँ। टाटा। टैक्सी। हलाकू खान। नवाब जान। मिल गया हमारे दिल का नगीना, हमारी बेगम सकीना। मुबालक मुबालक। इंशाल्लाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, ऐ अल्लाह। आप हमें रोता भी लगता छोड़कर कहां चली गई थी? चलिए हम आपको लेने आए हैं सकीना। नवाब जान, पूछिए पठीना। कौन है आप? ठंड में गया आपका बाप, ये आग सब उसी बुड्ढे की लगाई हुई है, वरना इतनी छोटी सी बात के लिए कोई घर छोड़ कर जाता है। अरे देखिए, आपके गम में नवाब साहब की हालत क्या हो गई? अरे हुक्का तक पीना छोड़ दिया। और जीते बस 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 बस। मेरी समझ में नहीं आता, आप लोग हैं कौन, क्यों मेरे गले पड़ रहे हैं? हलाकू खान। नवाब जान, समझाइए ना इन्हें। हाँ, अभी समझाता हूँ। मतलब आइए बगल में, आइए आइए आप। नवाब साहब ने अपनी बेगम साहिबा को एक 9 लथा हार देने का वादा किया था। अरे हार देने में देर क्या हो गई कि अंधेर हो गया। बेगम तो चली गई, नवाब साहब का दिमाग भी चल गया। अब जब किसी हसीन लड़की को देखते हैं तो दोनों हाथों से धकाधक 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 बाल लुटाना शुरू कर देते हैं, दौरा पड़ जाता है। इस दौरे का फायदा उठा लो। चूना खाएंगे आप? क्या जमाना आ गया, बीवी हमारी
और समझाए कोई और। समझ गई? समझ तो गई, लेकिन डर लगता है। अले सूखे पान के पत्ते पे चूना लगाने से काय को डर रही हो? अरे नवाब साहब के दौले का फायदा उठा लो और जितना माल कचीत सकती हो कचीत लो, लपेट लो, मगर शर्त याद रखना, बाल में अपना आधा आधा। तो आ जाओ। वहाँ इस तरह हमारे सामने खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने आप को देखते हैं। ये क्या कर रहे हैं आप, दरवाजा खोले। इंशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह हाय अल्लाह, जरा भी नहीं बदली आप, वही अदा मस्ताना सर से पांव तक छाई, उसके काफिर जवानी जोश पे आई हुई। लगता अभी तक नाराज है हमसे, समझा वही पुराना खेल खेलना चाहती है। तैयार है हम भी, आपकी एक मुस्कुराहट हमारे दो नज लीजिए, आपकी पांच उंगलियां इस मुट्ठी में और सो के पांच नोट इस मुट्ठी में और आपकी बाय हमारे गले में। अब और क्या चाहिए बेगम, समझ गया? वही नौला का हाथ जिसकी वजह से आप हमसे रूट कर चली गई थी, यही था वो हमारा रकीब, हमारी मोहब्बत का दुश्मन। ये मेरा है। हम भी तो आपके हैं, करीब आइए आपको पहना दो। क्या हो गया इन्हें? अरे फील हो गया। अरे मुंह क्या देख रही हो, भागो यहाँ से, हवा हो जाओ। अरे चली कहाँ, मेरा हिस्सा तो दे दी जाओ। ये हाल नौ साल ने दिया है। ये हाल दे दिया? अरे बली खुशकिस्मत निकली, अरे दस मिनट में नौ लथे हाल का धरन चट्टा कर दिया। मगर कुछ नकदी भी तो दी होगी। हाँ दी है, इधर ले आओ, वहाँ क्या है वो भी आन दो, वहाँ पे भी है, सही है। लेकिन ये 20 तो मेरे अपने हैं। अरे 20 को देख रही हो, नौ लथे हाल को नहीं देख रही हो? कैसा टिमटिम कर रहा है? नौ लथे हाल को लेके फौरन 9-2-11 हो जाओ। लेकिन मैं अरे अगर बुढ़े को होश आ गया तो पुलिस को बुला के सब कुछ घसीट लेगा वापस, निकल लो जल्दी से। लेकिन घर जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। अरे तो अठन्नी मुझसे ले लो बस के लिए, मगर बस में संभाल के बैठना, हाल कीमती है और शहर में चोर चक्के बहुत घूम रहे हैं। खुदा हाफिज, पतली गली से निकल लो, सामान ना बीच में खंबा आएगा, जाओ। अबे गई? बारा के भाव में गई चुपके से। ओ, आप आ गए, आइए 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 बैठिए। वाह 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 वाह, आपका हार बहुत खूबसूरत है, बहुत कीमती भी है, आनंद ने दिया आपको? जी जी नहीं, ये तो मेरा खानदानी हार है। ओ, आपके खानदान का हार इतना कीमती है तो आपका खानदान कितना ऊंचा होगा, इसलिए मैं सोचता हूँ कि क्या बोल रहे हैं आप? आपके खानदान की इज्जत को रुपयों से तोलना आपके खानदान की बेइज्जती होगी, इसलिए ये रकम देते हुए मेरे हाथ कांप रहे हैं। और हमारे दिल धड़क रहे हैं साहब, हमारी बेइज्जती जो थी वो हो चुकी, आप जल्दी से हमारा काम कर दीजिए, मैं अपनी बहन को लेकर शहर छोड़कर आज ही चला जाना चाहता हूँ। अगर आपकी यही मर्जी है तो। सर, चीफ ने आपको अपने कमरे में बुलाया है अभी इसी वक्त। आप ये नोट गिन लीजिए, मैं अभी आया। मैं गिनूंगा। मुझे देना। ठीक है, जितने नए नोट होंगे मेरे होंगे। ठीक है, हाँ। क्या हुआ, सबके सब नए नोट निकले क्या? ए, हमारी बेगम यहाँ मौजूद है और हम शहर के सामने पागल खाने छाना है। नवाब साहब, शुक्र है नवाब साहब का पहचाना तो सही, और अब जरा इसे भी पहचान लो। विजय बाबू। अरे शर्म नहीं, जाति की डरो, कट्टो रानी पुलिस में फोन करके आए हैं। हम काम करते हैं, माफ कीजिए, हम आगे से नहीं करेंगे। ये सब मुझे इसी ने सिखाया, मेरा कोई कसूर नहीं, मैं सच कहती हूँ, आइंदा मुझसे कभी ऐसी गलती नहीं होगी, मुझे जाने दीजिए, प्लीज मुझे जाने दीजिए। आइंदा कभी मेरे भाई के रास्ते में आने की कोशिश भी नहीं करना, समझी? नहीं, उनकी तरफ देखूंगी भी नहीं। मैं भी नहीं देखूंगा। चल भाग यहाँ से। चलो बहन, रोक लिया जाए कि छोड़ दिया जाए, चलो छूटो छूटो छूट पाए। अपने इस खानदानी हार को कहीं भूल से बेचने की कोशिश मत करना, क्योंकि इस नौला का हार की कीमत सिर्फ 9 रुपए।
झुनझुने जी पायल बजाते हुए निकल लो। आदमी है ना औरत कुत्ता है। शादी करने चले थे। शादी? शादी तो भाई पहले तुम्हारी होनी चाहिए क्योंकि तुम बड़े हो। बड़ा मैं जरूर हूं लेकिन मुझसे बड़ी मेरी जिम्मेदारी है। आप नहीं जानते आनंद की दौलत की वजह से कई आवारा लड़के उसे अपने जाल में फंसाने के चक्कर में हैं। इसलिए मैं चाहता हूं अंकल इससे पहले कि वो नादानों में कोई गलत कदम उठाए उसके पाँव में शादी की जंजीरें डाल दी जाए। ठीक है कोई लड़की है ना घर में? जी हाँ। कौन है? इसी घर में है। अगर आप छोटा मुंह बड़ी बात ना समझे तो लक्ष्मी। लक्ष्मी? फिर लक्ष्मी को तुम जानते तो हो? लक्ष्मी को मैं बचपन से जानता हूँ इसीलिए तो मैं। कैसे हैं? जिक्र मेरा मुझसे अच्छा है जो इस महफिल में है। मेरी बात हो रही थी क्या? खैरियत तो है डैडी? सच पूछो तो अब तुम्हारी खैरियत नहीं लक्ष्मी, तुम्हारे डैडी तुम्हें इस घर से निकालने के चक्कर में है। डैडी मेरी शादी करके इस मुसीबत से छुटकारा पाना चाहते हैं। क्या मैं जान सकती हूँ इस बदकिस्मत के साथ किस किस्मत वाले की किस्मत टकराने वाली है? मैं अगर कहूँ के तब तक नहीं कहोगे? आनंद के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? हाँ आनंद को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अच्छा समझदार खूबसूरत। जहाँ तक मैं समझती हूँ डैडी इन्होंने ये सवाल मुझसे किया था आपसे नहीं। आनंद वाकई बहुत अच्छा लड़का है, समझदार है और अब तो दौलत भी काफी है लेकिन अक्ल की कमी है। कमाल है लक्ष्मी जो जी मैं कह देती हूँ। लक्ष्मी को आपने और आपने कोई चाबी की गुड़िया समझ रखा है क्या? या कोई भेड़ बकरी कि जिसके भी हाथ में मेरी रस्सी थमाएंगे मैं गर्दन झुकाकर चली जाऊंगी? मेरी शादी के बारे में सोच सोच कर आप लोग क्यों दुबले हो रहे हैं? हाँ शादी मुझे करनी है, जब मेरा जी चाहेगा करूंगी, जिससे जी चाहेगा करूंगी। ये मेरा अपना फैसला है और जिस दिन लक्ष्मी का फैसला बदलेगा उस दिन उसकी दुनिया बदल जाएगी। विजय अच्छा ही हो लक्ष्मी ने अपना फैसला तुम्हें खुद ही सुना दिया। लक्ष्मी मेरी बेटी है लेकिन तुम्हें और आनंद को मैंने अपनी औलाद से कभी कम नहीं समझा। मुझे इस बात की खुशी है एक बेटी के फैसले ने एक बेटे की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा लिया। लेकिन अंकल सुनो मैं ज्वाला प्रसाद को फोन करता हूँ, उनकी बेटी मेरी देखी भाली है, आनंद के लिए बिल्कुल ठीक रहे। क्या सोचते हैं? सोच रहा हूँ अंकल कि आखिर लक्ष्मी जी जिद्दी क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अंदर ही अंदर अपने किसी गम के तूफान में उलझी हुई हो? बताती भी तो नहीं कि उसके दिल में क्या है। ये तो मेरा दिल जल रहा है।
शादी वही होगी जो मैं चाहता हूं। मैं तुम्हें किसी आवारा गुमनाम और फालतू लड़के के हाथों खिलौना नहीं बना सकता, समझे? समझी, मेरी शादी हो रही है। क्या? तुम्हें अच्छा नहीं लगा ना? मुझे भी अच्छा नहीं लगा, मगर क्या करूं? मेरे बड़े भाई साहब है ना, यमराज की तरह मेरे पीछे पड़ गए। यह मेरा फैसला है, तुम्हारी शादी वही होगी जहाँ मैं चाहता हूँ, यानी मेरे चाहने ना चाहने की उन्हें कोई परवाह ही नहीं। क्यों? तुम किसी और से प्यार करते हो? Exactly. ये तो तुम्हें सिर्फ उसी से शादी करनी चाहिए, आखिर तुम्हारा प्यार भी तो प्यार है। इसीलिए तो कहता हूँ, मुझे किसी भी हालत में ये शादी रोकनी है। और सरोज, एक तुम ही हो जो मेरी राजदार हो, मेरी मदद कर सकती हो, मुझे उस यमराज भाई साहब से बचा सकती हो, वरना सच कहता हूँ मेरा सर्वनाश हो जाएगा। तुम इतने घबराए हुए क्यों? करना क्या होगा? ये दो चिट्ठियां, एक मैंने तुम्हें लिखी है जिसमें मैंने तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया है, और दूसरी तुमने उस लड़के के बाप ज्वाला प्रसाद को लिखी है जिसमें तुमने मुझसे अपने प्यार का इकरार किया है। तुम देखना सरोज, जैसे ही ये दोनों चिट्ठियां मेरे होने वाले ससुर जी को मिलेंगी, मेरी शादी का बाजा बजने से पहले उसका बाजा बज जाएगा। लो, जल्दी से इस पर नाम लिख दो। ये लो। सोच क्या रही हो? लड़की हूँ ना, इसलिए सोचना पड़ता है। पर तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। सच? सचमुच। तुम्हारे भैया तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, तुम्हें वही शादी करनी चाहिए जहाँ तुम चाहते हो। लाओ। तुम वही कह रही हो जो मैं चाहता हूँ। ये शादी नहीं होगी।
बात क्या ज्वाला प्रसाद जी, हम तो कब से आपका इंतजार कर रहे हैं, अंदर आइए ना। इस घर की चौखट के अंदर कदम रखकर मैं अब अपने आप को और जलील नहीं कर सकता। शर्म नहीं आती आप लोगों को इस तरह किसी की शराफत का मजाक उड़ाते हुए? मैं समझा नहीं आप क्या कह रहे हैं। लेकिन इस चिट्ठी ने मुझे सबको समझा दिया है। क्या आप आनंद की इंसानियत का ढिंडोरा पीटते हुए मेरे पास नहीं आए थे राय साहब? क्या आपको भी इस बात का पता नहीं था कि आनंद मेरी बेटी के अरमानों की लाश पर से गुजर कर दूसरे की सेज सजाना चाहता है? ये क्या करें आप? मैं ठीक कह रहा हूं, जानबूझकर मैं अपनी लड़की को उस बदमाश के पल्ले नहीं बांध सकता जो सगाई किसी से कर रहा है और लुगाई किसी और को बनाए बैठा है। मेरी तरफ से ये रिश्ता इसी पल खत्म समझिए। सरोज, आज मैं बहुत खुश हूँ और ये सारी खुशी की वजह से तुम हो। तुम्हारे इस एहसान के बदले मैं जल्द ही तुम्हें एक सरप्राइज देने वाला हूँ। बोलो क्या सरप्राइज देने वाली है? भैया। अरे नहीं बाबा, मुझे ऐसा सरप्राइज नहीं चाहिए। तुम ही तो कह रहे थे तुम्हारे भैया साक्षात यमराज के रूप है। मुझे तो कुछ दिन और जिंदा रहना है। लेकिन आपकी मौत तो आपके सामने खड़ी है देवी जी। भैया ये सरोज है। अच्छा, तो ये नाम है तुम्हारा? आप सरोज को जानते हैं? जानता ही नहीं, अच्छी तरह पहचानता हूँ। तुमने भी मुझे पहचान लिया होगा। क्यों? किसी को पहचानने में आप भूल कर सकते हैं, मैं नहीं। आनंद, मुझे इन देवी जी से अकेले में कुछ बातें करनी है। बाहर जाओ। लेकिन भैया। सुना नहीं तुमने? बाहर जाओ। मैंने तुमसे जाने के लिए नहीं कहा, बैठो। मैं आपकी कोई गुलाम नहीं, जो आपका हुक्म मुझे मानना ही पड़ेगा। तुम क्या हो ये तुम भी जानती हो और मैं भी जानता हूँ। मैं उस कहानी को दोहरा कर तुम्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम मेरे भाई के रास्ते से हट जाओ, नहीं तो ये सौदा तुम्हें महंगा पड़ेगा। माफ कीजिएगा, सौदेबाजी की आदत आपको होगी। जिनका दिल साफ होता है उन्हें किसी चीज का सौदा नहीं करना पड़ता। तुम आनंद की कमजोरी का फायदा उठाना चाहती हो और आप मेरी शराफत का फायदा उठा रहे हैं। शराफत? अपने पेशे को शराफत का नाम देते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? जबान संभाल कर बात कीजिए। किसी पर इस तरह कीचड़ उछलने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखिए आप क्या है और क्या कर रहे हैं। आनंद कोई दूध पीता बच्चा तो नहीं, अपना बुरा भला खुद सोच सकता है और आप अपनी जीत की खातिर उसकी शादी उसकी मर्जी के बिना कहीं और कर देना चाहते हैं। इस जुर्म का बहादुरी समझते हैं, यही आपकी इंसानियत? मैं यहाँ इंसानियत का सबक सीखने नहीं आया हूँ और वो भी किसी आवारा लड़के से। आप फिर अपनी सीमा से बाहर जा रहे हैं। तुम्हारी सीमा क्या है? तुम्हारी सीमा ये दौलत? कितनी चाहिए ये दौलत? कितनी चाहिए मेरे भाई की आजादी की कीमत? बोलो। जिस दौलत को आप अपनी मुट्ठी में दबाए हैं भूल गए ये दौलत भी आनंद की है। आप अपनी खुशी के खातिर उसकी दौलत लुटा सकते हैं लेकिन मैं हर हालत में आनंद की खुशी चाहती हूँ। आप उसकी शादी उसकी मर्जी के बिना कहीं और नहीं करा सकते। तुम मुझे धमकी दे रही हो? एक मामूली सी लहर एक चट्टान से टकराने की कोशिश कर रही है? जिसे आज आप एक मामूली सी लहर कह रहे हैं याद रखिए वक्त आने पर वो आपके लिए तूफान भी बन सकती है। शायद आजमा कर देख लीजिएगा। लहर को तूफान से अलग करने के लिए कहीं चट्टान को खुद ना रास्ते से हटना पड़ जाए। भैया ये क्या हालत बना रखी है तुमने? चलो घर चलो, माँ तरस रही है तुम्हें देखने के लिए। सरोज, मैं घर नहीं जाऊंगा, इसलिए तो चुपके से तुम्हें यहाँ बुलाया है। ये लो सरोज, माँ को दे देना और अपना ख्याल रखना, और हो सके तो अपने भाई को भूलना नहीं। भैया आखिर ये सब बुरे धंधे तुम छोड़ क्यों नहीं देते? सरोज, मैं एक ऐसी दलदल में फंस चुका हूँ जहाँ से मौत भी मुझे आजाद नहीं करा सकती। मैं तुमसे बार बार नहीं मिल पाऊंगा। अगर तुम्हें मुझसे कभी मिलना हो तो बॉलीवुड का कैफे है ना, उसके काउंटर पे मैसेज भेज देना। अब मुझे लौट जाना चाहिए, किसी ने अगर देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। जा रहे हो? जाओ भैया, पर इस पाप की कमी से तुम अपनी माँ और बहन के आंसू नहीं पूछ सकते। माँ को उसका बेटा चाहिए, बहन को उसका भाई चाहिए।
तुम लौट आओ भैया, उस पैसे से वापस लौट आओ। नहीं सरोज, ये नामुमकिन है, ये कभी नहीं हो सकता। जिस रास्ते पर बढ़ चुका हूँ वहां से वापस कभी नहीं आ सकता। किसी मुझे देख लिया। वाह वाह, बहुत अच्छे, देख रहा हूँ काफी तरक्की कर रही है, दिन में भी फुर्सत नहीं है। कौन सा नंबर है इसका? आपके भाई आनंद से इसका नंबर पहला है, गिनते रहिए। आनंद भैया, किस लड़की को तुम इस घर की बहू बनाने के सपने देख रहे हो? जानते हो दिन में तुम्हारे जैसे 10 लोगों को बेवकूफ बनाकर अपना उल्लू सीधा करना उस लड़की का पेशा है। ये झूठ है भैया, यही सच है। एक तरफ वो तुमसे प्यार का नाटक रचा रही और दूसरी तरफ किसी और के गले का हार बने हुए। मैं नहीं मानता, सरोज ऐसी लड़की नहीं है, इसमें जरूर आपकी कोई चाल है। आप नहीं चाहते कि सरोज मेरी जिंदगी में आए, इसलिए आप मेरे और उसके दरमियान शक की दीवार खड़ी कर देना चाहते हैं, लेकिन मैं सरोज को पाने के लिए हर दीवार को ठोकर मार सकता हूं। आइए पंडित जी, सुबह सुबह किसे तलाश कर रहे हैं आप? आप ही के दर्शन करने से आया है। क्यों, कुशल तो है? कुशल ही तो नहीं है विजय बाबू, बहुत ही आवश्यक सूचना है आपके लिए। आपके छोटे भाई आनंद बाबू सरोज नाम किसी लड़की से विवाह करने जा रहे हैं। पूरा प्रबंध भी कर लिया है, मैं तुरंत आपको खबर देने चला आया हूं। तो ये बात है? बड़ी गंभीर समस्या है विजय बाबू, आनंद बाबू ने आपको बताने के लिए मना किया था, मगर बरसों से घर का नमक खाया है, रहा नहीं। कब है शादी? थोड़ी देर के बाद, 9:30 बजे, बोरी वली के पुराने धर्मशाला। बहुत बहुत धन्यवाद जी भैया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे भैया, आपने मेरी रात की बात को बुरा तो नहीं माना? अरे भाई छोड़ो, रात गई बात गई, लेकिन मैं तो ये सोच रहा था कि जिस आदमी को कान से पकड़कर 10 बजे बिस्तर से उठाना पड़ता है, आज इतनी जल्दी अपने कदमों में कैसे खड़ा हो गया? आगे तैयारी है? तैयारी कहाँ की भैया? अरे आपके घर में चाय की ट्रे, ये बिरजू कहाँ मर गई? अरे भाई जब मैं मौजूद हूँ तो फिर बिरजू की क्या जरूरत है? हाँ चाय पियो। बिरजू के हाथ की बनी हुई चाय तो रोज पीते, आज अपने भाई के हाथ की बनी हुई चाय पियोगे तो मजा आ जाएगा। भैया वो क्या बात है भैया? वो अरे बात कुछ भी हो, लेकिन आज तुम दूल्हे की तरह सजे हुए हो। बारात में जा रहे हो क्या? हाँ भैया, बारात ही मैं तो जा रहा हूँ। वो अपना राजेश है ना, राजेश, आप नहीं जानते उसे, उसके भाई के साले की शादी है। पैसे मिलेंगे? अब ये मत पूछेगा किस लिए चाहिए। अरे भाई, घर तुम्हारा है, दौलत तुम्हारी है, मर्जी तुम्हारी है, पूछने की क्या जरूरत है? कितने रुपए चाहिए? 1000 का। 1000 में सब काम हो जाएगा ना? क्यों नहीं, हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, लो चाय पी। चाय की क्या बात है भैया, साहब खत्म, अब लाओ भैया जल्दी करो वरना देर हो जाएगी। अरे हाँ भाई, अच्छे काम के लिए जा रहे हो तो फिर देर क्यों होनी चाहिए। ये लो, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू भैया, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। के बाद पंडित जी से मालूम हुआ कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। ये तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम मेरी हमदर्दी का गलत मतलब लोगे। मैंने तो कभी तुम्हें उस नजर से नहीं देखा। आज तक तुम एक छोटा भाई समझकर
अपना दुख दर्द बांटती रही। काश तुम मेरे सामने होते तो मैं तुम्हारी इस गलत फहमी को दूर कर देती। तुम्हारा काफी इंतजार करने के बाद तुम्हारे लिए चिट्ठी छोड़कर जा रही हूँ। ये क्या कर रहे हैं आप? मंगला सूत्र गले में पहना दो। किसने किया ये सब? मैंने किया। तुमने? हाँ, जिस मंगलसूत्र से तुम मेरे भाई को अपने जाने फंसाना चाहती थी, आज वही मंगलसूत्र तुम्हारे गले में डालकर मैंने अपने मासूम भाई की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा लिया। ये क्या किया तुमने? ये सब कुछ करने से पहले एक नजर। अब क्या होगा? अब तो सब कुछ जलकर राख हो गया। तुमने तो इस चट्टान को राख में बदलने का दावा किया था, लेकिन आज देख रहा हूँ इतना बड़ा वो तूफान सिर्फ मामूली से आंसू के दो कतरे बनकर रह गया। देखिए देवी जी, नाटक तुम्हारा भी खत्म हुआ और मेरा भी। ये आंसू आंसू पोछिए और भी नया शिकार तलाश कीजिए। शर्म आने चाहिए आपको ऐसी बातें करते हुए। धोखे से मुझे बेहोश करके अपनी बेटी जिंदगी बर्बाद करती। एक बेगुनाह लड़की को इस तरह मजबूरी के बंधन में बांधकर बहुत खुश हो रहे हैं आप। मेरी खुशी की तुम फिक्र मत करो। मेरी तरफ से तुम अब भी आजाद। मेरा तुमसे कोई रिश्ता न था न है न होगा। मैंने इस शादी का नाटक सिर्फ अपने भाई को तुमसे बचाने के लिए किया था। मेरे लिए मेरा भाई सब भाई भाई भाई। इतना बड़ा कदम उठाने से पहले एक बार मुझसे पूछा होता कि मैं आपके भाई को क्या समझती रही। अगर वो मेरी हमदर्दी को गलत समझता रहा उसमें मेरा क्या दोष? मैं तो सिर्फ एक भाई की नजर से देखती आई हूँ। वाह वाह वाह, तुम्हारी तस्वीर के दूसरे रुख का भी जवाब नहीं। हाँ, तुम जैसी लड़कियों के लिए रिश्ते नाते तो खेल है। कल तक तो वो तुम्हारा प्रेमी था, आज तुम उसे अपना भाई कह रही हो। हो सकता है कल तुम उसे अपना पति कह चुके। बकवास बंद कीजिए। सलामत। और सुनो, मेरी तो जुबान बंद रहेगी, लेकिन अगर तुमने मेरे भाई से फिर रिश्तेदारी बनाने की कोशिश की तो मुझे उन तस्वीरों का सहारा लेना पड़ेगा जिनमें तुम्हारी और मेरी शादी के गवाह और सबूत दोनों मौजूद हैं। मेरी नजर में शादी की कोई कीमत नहीं और ना ही मंगलसूत्र की है। तुम चाहो तो इसे तोड़कर फेंक सकती हो या किसी को बेच सकती हो। बेटी, इसे तोड़ने का मन में विचार लाना भी पाप है। ऊपर उस भगवान के बाद औरत के लिए धरती पर उसका पति ही उसका भगवान होता है। बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मन को इस बंधन
समझ में नहीं आता मुझे क्या हो गया था। जरूर भैया ने ही चाय में कुछ मिला दिया होगा, और जब होश आया तो काफी देर हो चुकी थी। सचमुच बहुत देर हो रही ना, अब हमें चलना चाहिए। थोड़ी देर और रुकोगी नहीं? मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था शादी के मंडप पर न पहुँचने की माफी मांगने के लिए, लेकिन यहाँ आने पर तुम्हारी बातों से मुझे पता चला तुम तो मुझे कुछ और ही समझती रही हो, अपने भाई की तरह। कितना बड़ा अन्याय होने जा रहा था तुम पर। तुम क्या जानो मुझ पर क्या गुजरी है, जो गुजरा है उसे मैं भूलना चाहूँ तो भी नहीं भूल सकती। मैं शहर छोड़कर जा रहा हूँ। क्यों? भैया तो उसी दिन से अपने किसी मिशन के सिलसिले में घर से बाहर है, न जाने कब लौटेंगे, और मैं उनके लौटने से पहले ही यहाँ से कहीं दूर चला जाना चाहता हूँ। लेकिन ये अचानक इरादा कैसे कर लिया तुमने? दुनिया में कभी कभी अचानक ही सब कुछ हो जाता है। सरोज, जब से तुमसे मुलाकात हुई है तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। तुम्हारे एहसानों का बदला तो मैं नहीं चुका सकता, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें नहीं आनंद, अभी तक मैं तुम्हारे उस एक नोट का कर्जा नहीं उतर सकी। इतने सारे नोटों के लिए तो मुझे 7 जन्म लेने पड़ेंगे। आनंद, अगर मेरे लिए कोई छोटी मोटी नौकरी का बंदोबस्त कर सको। दरअसल माँ की तबीयत भी ठीक नहीं है, उन्हें ढंग की दवाई भी नहीं दे सकती। ठीक है, मैं जाने से पहले तुम्हारी नौकरी का बंदोबस्त कर दूंगा। एक जगह है मेरी नजर में जहाँ तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई तुम्हारी गरीबी का मजाक नहीं उड़ाएगा। तुमको आनंद ने भेजा है? जी। आनंद को तुम कैसे जानती हो? हम लोग एक साथ पढ़ा करते थे। ओ, तुम इस घर में आया का काम करना चाहती हो? ये नहीं आया है डैडी। आया नहीं, आई है, अगर रह गई तो। ये मेरी छोटी बेटी रानी है, मुझे इसी के लिए एक आया की जरूरत है। लेकिन तुम तो लिखी पढ़ी हो। तो क्या हुआ, मैं हर काम कर सकती हूँ। किसी भी हालत में मुझे नौकरी चाहिए। आप नहीं जानते ये नौकरी मेरे लिए कितनी जरूरी है। रख लीजिए ना डैडी, मुझे बहुत अच्छी लग रही है। निकल जाओ यहाँ से, यू स्काउंडल। तेरी इतनी हिम्मत के मुझे आंख दिखाती है? चुप, आई से गेट आउट फ्रॉम हियर, गेट आउट फ्रॉम हियर, गेट यू नॉनसेंस। क्या हुआ लक्ष्मी, इस तरह चिल्ला क्यों रही हो? किसी हरामखोर से पूछिए ना, कहने को घर की नौकरानी है लेकिन जवाब देने में जबान कैंची की तरह चलती है। एक घंटे से पूछ रही हूँ कि मेरी अलमारी की चाबियां कहाँ हैं, बता कहाँ छुपा रखी हैं। हां, मौका देके चोरी करने का क्या कर रही हो तुम? मुझे माफ कीजिए साहब, मैं सब कुछ सह सकती हूँ, इनकी गालियाँ, इनके थप्पड़, लेकिन ये बेइज्जती सह नहीं सकती हूँ। ये मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रही है। तो मैं झूठ बोल रही हूँ? हाँ, तो इन सबके सामने मुझे झूठा ठहरा रही है। डैडी, डैडी टेक हर आउट, इसका हिसाब साफ कीजिए और इस घर से इसी वक्त बाहर निकाल दीजिए। मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहती। डैडी प्लीज, डैडी टेक हर आउट। अच्छा ठीक है, बता रहा हूँ गंगा, मेरे ऊपर रख लो और कहीं अच्छी जगह नौकरी ढूंढ लेना। बस बस ठीक है ठीक है, अब तो खुश है ना तू? पता नहीं डैडी, आप भी कहां से चुन चुन कर नमूने इकट्ठा कर लेते हैं घर में, एक से एक बढ़कर है। लेकिन अभी तक मुझे किसी ने ये नहीं बताया कि चाबियां कहां है। अरे तेरे कमरे में होके जाकर। नहीं प्रॉब्लम डैडी, ये चाबी तो नहीं? अरे हाँ यही तो है, ये ले। ये यहाँ कैसे आई? दीदी, सुबह जब आप डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रही थी ना, तो मैं आपके पास ही बैठी थी। उसी वक्त गिर गई होंगी जब आपने मुझे गुस्से से। तुम चुप रहो, हर वक्त बकबक मत किया करो। डैडी मैं पूछ सकती हूँ ये मैडम कौन है? तेरे दिमाग का पारा नीचे उतरा तब ना कहूँ। प्लीज डैडी। अरे आनंद ने इसे भेजा है रानी की देखभाल। नई नौकरानी है? पढ़ी लिखी है। ओहो, घर में कदम रखते ही घर की चाबियों पे नजर पड़ गई। काफी तेज नजर है इनकी। आपकी सिलेक्शन की दाद देती हूँ डैडी, मुबारक हो। अरे सुन बेटे सुन, ये है मेरी बड़ी लड़की लक्ष्मी, इसका मिजाज तो देख लिया तुमने, अब तुम ये सोचो यहाँ रह सकती हो कि नहीं। क्यों नहीं, आपके आशीर्वाद से मुझे यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। बस आपका हाथ मेरे सर पर है। आप हमारे लिए रोज चॉकलेट लाएंगी ना? जब से हमारे भैया गए हैं किसी को याद ही नहीं रहता हमारे लिए चॉकलेट लाना। बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं आपके लिए रोज चॉकलेट लाया करूंगी। ये रुपया रख लो। जी मैं तो आज ही नौकरी पे आई। रख लो इसे, एडवांस समझ कर रख लो, चॉकलेट भी तो लाना है तुम्हें इसके लिए। आया? तो किसी के घर में आया कि नौकरी कर रही है? तो क्या हुआ माँ, ये देखो ना, उन्होंने कितने सारे पैसे एडवांस में दिए हैं।
तुम्हारे लिए दवाई, ये फल और मामी को देने के लिए। माँ, माँ, उस घर में दौलत तो बहुत है मगर खुशी नाम को नहीं। अगर इतने बड़े दौलत वालों को हम गरीब अपनी कुछ खुशियाँ बांट भी देते, इसमें दुख किस बात का माँ? दुख तो इस बात का है बेटी, मुझे अंधे के लिए तुझे क्या, ये तूने गले में क्या पहन रखा है? वो कुछ नहीं माँ, उस दिन मैं मंदिर गई थी ना, किसने गले में डाल दिया है। कहते हैं इसे पहनने से तकदीर बदल जाती है, सच में तकदीर बदल गई। देखो ना, मुझे नौकरी मिल गई माँ, और तुम देखना माँ, अब हमारे ये दिन भी बदल जाएंगे। बेटी, आज अगर तेरा भाई इस लायक होता तो इसकी जगह तेरे गले में मंगलसूत्र होता। कौन जाने मेरे जीते जी सपना पूरा होगा या नहीं। अपनी बेटी के सुहाग को आशीर्वाद दे भी सकेगी या नहीं? ओह माँ, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, एक पुराना हिसाब मुझे भी इसे साफ करना है। नंबर 9, ये बहुत ही खतरनाक शख्स है, जब भी हम कोई बड़ा सौदा करते हैं न जाने से कहां से खबर मिल जाती है। लेकिन इस बार अगर ये हमारे रास्ते में आया है तो समझ लीजिए हमेशा के लिए गया। देख लेना कितनी डार्लिंग, एक दिन नंबर 9 जरूर हमारी जगह ले लेगा। नाउ लिसन बोथ ऑफ यू वेरी केयरफुली, इंटरनेशनल स्मगलर जोसेफ अपनी इंटरनेशनल सर्कस के साथ इस वक्त दुबई में है। उसकी लॉन्च 20 लाख का सामान लेकर खुफिया अड्डे पर पहुंच चुकी है। तुम और किटी सर्कस की वैन लेकर वहां जाओगे और सारा सामान यहाँ लेकर आओगे। ओके ओके बॉस। मिस्टर जोसेफ शाम को यहाँ पहुंच रहे हैं, इस सौदे के साथ हम इंटरनेशनल मार्केट में पहली बार कदम रख रहे हैं, इसलिए सारा काम बहुत होशियारी से होना चाहिए। आप फिक्र मत करिए, माल सही सलामत पहुंच जाएगा। वेरी गुड किटी, सिग्नल याद है ना? यस बॉस। कोई परेशानी तो नहीं हुई? वो विजय का बच्चा नजर तो नहीं आया? नो यस। बॉस, ये जोसेफ के आदमी यस और नो के सिवा और कुछ नहीं जानते। लेकिन अफसोस की बात तो ये है विजय का बच्चा नहीं मिला, वरना उसकी धज्जियां उड़ा देता। यस। वैसे जोसेफ साहब के दिमाग की दांत देनी पड़ेगी, जोकर के भेस में क्या चुनकर आदमी भेजे। वैसे अच्छा ना कुछ समझते ना कुछ समझा सकते, बिल्कुल उल्लू के पट्टे। नो यस। आज चीज करके फिट नहीं हुआ, नाचने वाली कोई नहीं मिली, इस तबले से काम चला लीजिए। पीटर। यस बॉस। शाम को जोसेफ साहब के लिए जश्न रखा है, हमारे बिजनेस की जान ओपनिंग है। जश्न में क्या यह दाढ़ी वाला नाचेगा या कवाली में ताली मैं बजाऊंगा? यस नो यस यस, कमाली होगी, जरूर होगी, कहीं से भी नाचने वाले का इंतजाम करके लाओ। जा, गेट आउट। नो यस नो, इम्पॉसिबल, नामुमकिन, ये मुझसे नहीं होगा। कन्हैया, तू मेरा दोस्त है ना? यस। और हम इन स्मगलरों को किसी वक्त भी गिरफ्तार कर सकते हैं? यस। लेकिन इनके साथ अगर वो इंटरनेशनल स्मगलर जोसेफ भी हाथ आ जाए तो पूरा रैकेट खत्म हो सकता है। यस। तो बस शाम की महफिल में तुम्हें झुमकी भाई बनकर चलना होगा। यस। वो शोला बदन, वो जान चमन, वो शोला बदन, वो जान चमन, चिलमन से निकल के सामने आई अल्लाह दुहाई। अरे लुट गया मियां जुम्मन, लुट गया मियां जुम्मन, दो टंकी वाला बोला वाला है।
लबदन वो शो लबदन वो जान चमन से निकल के सामने आई अल्लाह दुहाई अरे लुट गया मियां जुम्मन नौटंकी वाला भोला भाला हाय 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 ओ शोला बदन वो जान चमन बिजली सी लहराई है झुमकी बाई के झुमकों से मतवाली चाल के ठुमकों से बाई के झुमकों से मतवाली चाल के ठुमकों से हर दिल को झटके लगते हैं सब हवा में लटके लगते हैं साहिब ने भी इनाम दिया नाम दिया फिर मिलने का पैगाम दिया दिया हम दिल अपना दे जाएंगे जाएंगे दे जाएंगे दिल पर को हम ले जाएंगे जाएंगे ले जाएंगे देखो तो उधर देखो तो उधर वो शोख नजर रंग रूप बदल के सामने आई अल्लाह दुहाई अरे लुट गया मियां जुम्मन ओ, लुट गया मियां जुम्मन नौटंकी वाला वो शोला बदन वो जान चमन जादू चलता है हर गोरे का दिल जलता है कह दो ये बात रकीबों से मिलता है प्यार नसीबों से मिलता है प्यार नसीबों से ये वक्त नहीं है डरने का ये वक्त है बस कुछ करने का रख लो रख लो रख लो अब जान हथेली पर सबकी है आंख अकेली पर रख लो अब जान हथेली पर सबकी है आंख अकेली पर ये एक हजारों दीवाने दीवाने भाई दीवाने ये बात किसी की ना माने ना माने भाई ना माने देखो तो जरा देखो तो जरा ये जाने वफा किस नाज से चल के चल के सामने आई अल्लाह दुहाई अरे लुट गया मियां जुम्मन नौटंकी वाला भोला भाला हाय वो शोला बदन वो शोला बदन वो जान चमन वो जान चमन वो शोला बदन वो शोला बदन वो जान चमन वो जान चमन What's the matter? बॉस दाल में कुछ काला नजर आता है तलाशी लो इन सब की पिस्तौल निकालो जल्दी शाबाश बेटे जल्दी करो जनाब ओह आई सी पुलिस का खास इन्फॉर्मर मिस्टर विजय बंदा क्राइम रिपोर्टर भी है आदाब तुम्हारी तो मैं ऐसी हालत करूंगा ना रहेगा क्राइम और ना रहेगा रिपोर्टर देगा उसे दिखाने में मूव चलो मूव यू बास्टर्ड
किधर खो जाता भाई रानी, हम तुमको हमारा देश ले जाएगा। चलो मेरी जान। अरे तेरी जान गई भाड़ में, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे। चीटिंग, बोलो धोखा देने का क्या मतलब है? बोलो नहीं तो हम शूट करेंगे। अरे अरे शूट करेगा, तुमको कुछ नहीं मिलेगा, हमको जाने दो, हम तुमको सब कुछ बताएगा। जल्दी बोलो किस काम में? अरे आदमी औरत का होता है अंग्रेज, हम तो औरत भी नहीं है, तो हमारा आदमी कैसे होगा? हमको जबरदस्ती औरत बनाया गया। किसने बनाया? उस लंबू बुछड़ ने, जिसने तुम्हारा माल गोल किया, हमारा जाल गोल किया और खुद गोल 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 हो गया। यहाँ का हर चीज रख ली है, मगर ये पुलिस का जो सायरन बज रहा है असली है। तुम उधर को निकल लो, मैं इधर को जाता हूँ चुपके से। कम कम हरिया हरिया। थैंक यू कमिश्नर साहब, थैंक यू। इतना ध्यान रखेगा, जैसे उसको कुछ पता चला मुझे फौरन इत्तला कीजिएगा। आप नहीं जानते उसके लिए मैं कितना परेशान हूं। थैंक यू, थैंक यू। लगता है आपका जेम्स बॉन्ड किसी मुसीबत में है, क्यों डरे? कुछ ऐसी बात है बेटी, कमिश्नर साहब कह रहे थे। मेरी समझ में नहीं आता आपके इन हीरो साहब को बात बात में इतनी बहादुरी दिखाने की क्या जरूरत है। तुम नहीं समझोगी बेटी, वो जो कुछ कर रहा है मेरे संदेश के लिए कर रहा है, अपने देश के लिए कर रहा है। आप तारीफ कीजिए, जरूर कीजिए, लेकिन मेरी नजरों में ही इज अ फूल, जिसे ना अपनी परवाह है और ना किसी और की। अरे खाना तो खा ले। खा चुकी। अजीब लड़की है, एक तो मैं परेशान हूँ और ऊपर से परेशान कर रही। माफ कीजिएगा, आप लोग किसके लिए इतने परेशान है? दरअसल मेरा बेटा नहीं, लेकिन उसे मैंने अपनी औलाद से भी ज्यादा चाहा है। वो कितना खुश नसीब होगा जिसे आपका इतना प्यार मिला है। क्यों, तुम्हें माँ बाप का प्यार नहीं मिला? जी मिला, सिर्फ माँ का और भाई का। और बाप का? उनका प्यार हमारी किस्मत में नहीं। एक तरफ आप है, अपनी औलाद तो क्या, एक गैर के खातिर इतना परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ हमारे पिता है, जिन्हें हम लोग भूल कर भी याद नहीं आते। मुझे तो उनके नाम से नफरत है। माफ करना बेटी, मैं तुम्हारे दिल नहीं दुखाना चाहता था। आपने आपने मुझे बेटी कहा? तो क्या हुआ, तो मेरी बेटी न सही लेकिन बेटी जैसी तो हो। चलो पहुंच डालो वहां से। जिस बाप से तुम इस हद तक नफरत करती हो वह जरूर नफरत का काबिल होगा। आइंदा उसका जिक्र मैं कभी तुम्हारे सामने नहीं करूंगा। ना जाने क्यों आपकी बातों से मुझे इतनी शांति मिली। आप जिसके लिए इतने परेशान हैं, मेरी प्रार्थना है भगवान उनकी रक्षा करे। जी जरूर बेटी। क्या बात है, अभी तक तुम घर नहीं गई? जी वो लक्ष्मी जी अभी क्लब से आई है, मैं उनको खाना गर्म करके दे रही थी। तुम्हें रानी की देखभाल के लिए रखा गया है, महारानी के लिए नहीं। जानती थी तुम डैडी से मेरी शिकायत जरूर करोगी। करो माय फॉल्ट। लक्ष्मी जरा तमीज से बात करना सीख बेटी, हमेशा बकती रहती है। ठीक ही तो कह रही हूँ, न जाने आप भी कहाँ कहाँ से गंदगी उठा के ले आते हैं इस घर में, ना खानदान देखते ना कुछ। अगर मैं क्लब जाती हूँ तो अपने पैसों से जाती हूँ, इसके बाप के पैसों से नहीं जाती। अगर मैं देर से घर आती हूँ तो अपने बाप के घर आती हूँ, इसके बाप के घर नहीं जाती। तो बिल्कुल ठीक कह रही, बस चुप हो जा। एक मामूली नौकरानी के सामने आप मुझे छुपाने के लिए कह रहे हैं? सुन बेटी, यही इज्जत है इस घर में मेरी? किसी को मेरी कदर नहीं। मैं सुन तो सही, मैं झूठ कुछ कह रहा हूँ? तेरी भलाई के लिए कह रहा हूँ। अजीब लड़की है, समझ में नहीं आता इसके दिमाग को क्या हो जाता है। खैर उसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। नहीं नहीं आप ऐसा मत कहिए, मुझे तो इन बातों की आदत पड़ गई है। आप दुखी मत हुई, ये रही चाबी, मैं चलती हूँ। शहजोर की बरसात आने वाली है, आज रात तुम यहीं रह जाओ। नहीं मुझे जाना ही पड़ेगा, मेरी माँ बहुत बीमार है। ओ, ड्राइवर को तो मैंने घर भेज दिया है। चलो मैं तुम्हें छोड़ा हूँ। आप मुझे छोड़ने जाएंगे? नहीं नहीं मैं चली जाऊंगी, आप तकलीफ मत कीजिए। जब तुम मेरे लिए मेरे बच्चों के लिए इतनी तकलीफ उठा रही हो तो मैं इतना भी तुम्हारे लिए नहीं कर सकता। अगर तुम भी तो किसी की औलाद हो। सरोज अभी तक क्यों नहीं आई? माँ माँ मालिक आए हैं। आइए बाबूजी, बैठिए। बाबूजी मेरी माँ। नमस्ते। आज आप इस गरीब की कुटिया में आए हैं
समझ में नहीं आता आपका कैसे स्वागत करूं। बाबूजी, क्या हुआ बेटी? बाबूजी, क्या हुआ बेटी? क्या हुआ? लगता है चक्कर आ गया बाबूजी को। चिंता की कोई बात नहीं, डोंट वरी, मैं दवाई भिजवा देता हूँ, होश आने पर दे देना। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। अरे, होश आ गया आपको? हाँ बेटी, सचमुच होश आ गया। लीजिए, गोली खा लीजिए। अब आपको फल भी खाने पड़ेंगे, खाइए। सरोज बेटी जी, बैठो मेरे पास जी, बैठो बेटी। मैं बैठो, खाइए ना, लीजिए। अब ये फल तुम भी खाओ जी, खाओ ना बेटी। मैं हाँ, तुम बचपन में तुम्हें अपने हाथ से खिलाने का सौभाग्य तो मुझे नहीं मिला बेटी, और आज इस काबिल भी नहीं कि तुमसे कह सकूं कि मैं तुम्हारा बाप हूं। अपने बाप के हाथ से खाओ, खाओ ना बेटी, मेरे हाथ से खाओ, खाओ बेटी। बेटी एक बात कहूं? देखिए, डॉक्टर साहब ने आपको ज्यादा बातें करने से मना किया है। डॉक्टर क्या जाने मेरी बीमारी है। बेटी, आज अगर तुमसे बातें नहीं करूंगा तो मेरी बरसों की वो बीमारी जो मुझे अंदर ही अंदर खोखला की जा रही है। ऐसा क्यों सोचते हैं आप बहुत जल्दी अच्छे हो जाएंगे। तुम चाहती हो मैं अच्छा हो जाऊं? आप अच्छे हो जाएं, इसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। बाबूजी, इन दिनों में आपने मुझे इतना प्यार दिया है, मुझे अपने पिता से भी नहीं मिला। हाँ बेटी, तुमने कहा था। बेटी, अगर मैं तुम्हारे पिताजी को कैसे ढूंढ कर ले आऊं तो तुम और तुम्हारी माँ उसे माफ कर दोगे और उसके साथ रहना पसंद करोगे? उनके साथ रहना तो दूर की बात है, मैं उनके साय से भी नफरत करती हूँ। साय से भी नफरत करती हो? देखिए, जिंदगी में जो प्यार पिता से मिला था वो मुझे आपसे मिल गया है। आप उनका जिक्र मत कीजिए, मैं उनके बारे में कुछ नहीं सुनना चाहती। अच्छी बात है बेटी। मैं बेटी, तुमने कहा था तुम्हारे एक भाई भी है, क्या नाम है उसका? चंदू। चंदू कहाँ है वो, क्या करता है? अब मैं आपसे क्या छुपाऊं, अगर वो कुछ करता तो मैं आज यहाँ नौकरी क्यों करती? दरअसल वो बुरी संगत में पड़ गया है। यानी? बाप का हाथ सर पर ना हो तो बेटे को सही रास्ता कौन दिखाएगा? बस जो रास्ता उसके सामने आया वो उसी पर चल पड़ा, ये ना जानते हुए कि वो बर्बादी का रास्ता है। मैं समझ गया बेटी। बेटी, अगर उसके लिए मैं कुछ कर सकूं, मेरा मतलब है उसे कोई अच्छी नौकरी दिला दूं, तो शायद तुम्हारी मुसीबत के दिन दूर हो सकते हैं। आप हमारे लिए इतना कुछ करेंगे? आप सचमुच देवता है। चंदू की जिंदगी सुधर जाए इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए? मैं जिंदगी भर आपकी ऐसा बन रहूंगी। बेटी, मैं चंदू से मिलना चाहता हूँ, उसे देखना चाहता हूँ। बहुत रात हो गई बेटी, तुम्हें यकीन है वो आएगा? हाँ बाबूजी, वो जरूर आएगा। बाबूजी, मैं अभी आई। भैया, मैंने तुमसे कहा था ना, जब भी मुझसे मिलना हो अकेले में मिलना। ये कौन है तुम्हारे साथ? ये मेरा सब कुछ है भैया, बहुत बड़े आदमी हैं। इन्होंने वादा किया है तुम्हें इस दलदल से निकाल लेंगे, चलो मेरे साथ। नहीं सरोज, मैं तुमसे कह चुका हूँ, सिर्फ मौत मुझे इस फंदे से आजाद करा सकती है। मैं सिर्फ चोरी नहीं, एक खूनी भी बन चुका हूँ भैया। हाँ सरोज, मेरे साथियों के पास इसके पूरे सबूत भी हैं। एक बार चलकर बाबूजी से मिल तो लो,
उनके पाँव पकड़कर सब कुछ साफ साफ बता दो। भैया मुझे यकीन है वो तुम्हें फंस के बंदे से भी बचा लेंगे। चलो ना भैया। क्या हुआ? नहीं सरोज, मैं सारी के सामने नहीं जाऊंगा। कहीं उसने तुम्हें मेरे साथ देख लिया तो तुम्हारी नौकरी भी चली जाएगी। क्यों? क्योंकि ये वही आदमी है जिसका एक बार मैंने रेलवे स्टेशन पर हार चुराया था। सरोज, तुम बेकार कोशिश कर रही हो। अब मेरी जिंदगी कोई नहीं बदल सकता। मेरे पाप मेरे रास्ते में खड़े हैं। तुम्हें याद है मैंने एक बार तुमसे कहा था हो सके तो अपने भाई को कभी नहीं भूलना, लेकिन लेकिन आज कह रहा हूं अपने बदनसीब भाई को भूल जाओ। क्या बात है बेटी, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? चंदू नहीं आया? आया था बाबूजी, आकर चला गया। चला गया मुझसे बिना मिले? वो आपके सामने नहीं आना चाहता था। पर क्यों? अगर वो मेरे सामने आ जाता तो मैं उसे गले से जिसे आप गले से लगाना चाहते हैं, दरअसल एक दिन रेलवे स्टेशन पर आपकी जेब से उसी ने नेकलेस चुराया था। क्या? वो चोर कहीं का, अपने बाप का माल समझ के लिया था। अरे इतने लंबे चौड़े जवान हो, चोरी करते शर्म नहीं आती? कोई अच्छा काम नहीं कर सकते? नहीं नहीं, वो चोर नहीं था। चोर तो चंदू अब चोरी नहीं रहा बाबूजी, खूनी भी बन चुका है। खूनी? अब यकीन मानिए बाबूजी, मेरा भाई ऐसा नहीं था। ये सब दोष मेरे बाप का है। तुम ठीक कहती हो बेटी, तुमने सच कहा था। बाप का हाथ सर पर न हो तो बेटे को सही रास्ता कौन दिखा सकता है? मैं चलो बेटी। थैंक यू दीदी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? विजय भैया, डैडी ने इन्हें मेरी देखभाल करने के लिए रखा है। बहुत अच्छी है ये। कितनी अच्छी है ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। ठीक है डॉक्टर, मैं दवा ले लूंगा, लेकिन इस वक्त बिल्कुल तबीयत ठीक है मेरी। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। आगे विजय। अंकल आप रानी की नई नौकरानी को फौरन निकाल दीजिए, अभी इसी वक्त। लेकिन क्यों? आप नहीं जानते वो अच्छी लड़की नहीं है। उसका सहारा इस घर के लिए मनुष्य, आपके लिए मनुष्य। नहीं नहीं विजय, कोई बेटी अपने बाप के लिए मनुष्य नहीं होती। आप उसे बेटी कह रहे हैं? हाँ विजय, सरोज मेरी बेटी है, मेरी अपनी बेटी। आपकी बेटी? तुम उससे अक्सर पूछा करते थे ना कि मैं लखनऊ क्यों जाया करता था। अपने खोए हुए परिवार की तलाश में भटकने जाया करता था। ये देखो, ये है मेरे सरोज, ये चंदू और ये मेरी पत्नी। खोया हुआ परिवार, बेटी, पत्नी, ये सब आप क्या कह रहे हैं? बड़ी दुख भरी कहानी है मेरी जिंदगी की विजय। आज तो मुझे जिस रूप में देख रहे हो, कभी मैं ऐसा नहीं था। बड़ा गरीब था और गरीबी की वजह से अपने परिवार की अच्छी तरह परवरिश नहीं कर पा रहा था, इसलिए नौकरी की तलाश में गांव छोड़कर मैं लखनऊ चला आया। नौकरी की तलाश में एक दिन जब मैं सड़क पर जा रहा था तो अचानक एक तेज रफ्तार गाड़ी से टकरा कर होश में आया तो देखा मैं अस्पताल में था और पता चला 2 महीने बीत चुके हैं, यानी 2 महीने में बेहोश था। जिसकी गाड़ी से मैं टकरा गया था वो थी एक बहुत दौलतमंद अमीर लड़की सुधा, मेरी दूसरी पत्नी। अस्पताल में उसने मेरी हर तरह देखभाल की और जब मेरी हालत कुछ ठीक हुई तो खुद मुझे गांव छोड़ने आई। वहां जाकर देखा एक जबरदस्त तूफान में सब कुछ मिट गया है। मेरा घर, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, किसी का कहीं पता नहीं था। मैं पागल सा हो गया, मेरी समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। उस वक्त जब मैं बिना किसी मंजिल अकेला दोराहे पर खड़ा था, सुधा ने मेरा हाथ थाम लिया। उसने कहा मेरी वजह से तुम्हारी खुशियां बर्बाद हुई हैं, मेरी वजह से तुम अपनी बीवी बच्चों से जुदा हो गए हो। तुम्हारी ये कमी
मैं पूरी करूंगी। लेकिन मेरे भाग में इतनी खुशी कहाँ, लक्ष्मी और रानी को जन्म देने के बाद सुधा भी चली गई और मैं फिर अकेला रह गया। और शायद जिंदगी के बाकी दिन इसी तरह कट जाते हैं। लेकिन मेरी जिंदगी में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने मेरे दिल के तारों को झंझोड़ कर रख दिया। मेरा खोया हुआ परिवार, जिसके बारे में बिल्कुल नाउम्मीद हो चुका था, सबके सब मिल गए लेकिन किस हालत में। आज मेरी बच्ची मेरे घर में नौकरानी बन के मेरे सामने है, मेरी पत्नी मेरे गम में अपनी आंखें खो चुकी हैं, और मेरा बेटा जानते हो कौन है? कौन? वही चोर जिसने रेलवे स्टेशन पर मेरा नेकलेस चुराया था, जिसे मैंने थप्पड़ मारा था। कितनी बड़ी सजा मिल रही है मुझे। आज सबके सब मेरी आंखों के सामने हैं, सब मेरे अपने हैं, लेकिन मैं किसी को अपना नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? बंदिश क्या है आपको? बंदिश है नफरत की दीवार। मेरी बच्ची के दिल में मेरे लिए नफरत का जहर इस हद तक फैल चुका है कि अगर मैं उससे कहूं कि बेटी मैं ही तेरा बदनसीब बाप हूं, तो शायद वो मुझ पर थूक कर इस घर से चली जाए। विजय, इन सबको फिर से पाकर मैं खोना नहीं चाहता। मैं अपनी जबान बंद रखूंगा ताकि किसी बहाने में मेरी आंखों के सामने तो रहे। इंसान कभी कभी अनजाने में कितनी बड़ी भूल कर बैठता है। विजय बेटा, इस राज को किसी पर जाहिर मत करना मेरी खातिर। वैसे तुमसे सब कुछ कहकर मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया। ये मंगलसूत्र अभी तक पहन रखा है? मजबूरी। मजबूरी जी, आपने तो कहा था इसे बेच देना, मगर मैं डरती हूँ एक गरीब लड़की के पास इतना कीमती मंगलसूत्र देखकर लोग मुझे चोरी न समझ लें। समझने वालों की समझ का क्या भरोसा। साहब, आपकी गैरहाजिरी में चिट्ठी आई थी, लगता है छोटे साहब की चिट्ठी है। भैया मुझे माफ करना, मैं आपसे कुछ कहे बिना ही इतनी दूर चला आया। बात ही कुछ ऐसी हो गई थी, जिस सरोज से मैं शादी करना चाहता था वो तो मुझे अपना भाई समझती थी। ये तो अच्छा हुआ उस दिन आपने मुझे उसकी जिंदगी बर्बाद करने से पहले ही बचा लिया। अब आपसे बस एक ही प्रार्थना है, मैं उसे गलत समझता रहा, आप उसे गलत मत समझिएगा, हो सके उसकी मदद करते रहिएगा। मैंने उसे राय साहब के घर नौकरी दिलवा दी है, आपका छोटा भाई आनंद। सरोज, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। प्लीज, हर बात में जबरदस्ती करना कोई शराफत नहीं। मैं कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहता हूँ, जो कर चुका हूँ उसके लिए माफी मांगना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे माफ नहीं करोगी? एक चट्टान का एक मामूली सी लहर के सामने झुक जाना शोभा नहीं देता। वो चट्टान अब चट्टान का नहीं सरोज, अपने गुनाहों के बोझ से जरा जरा हो चुकी है। मेरी आंखें खुल चुकी, मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैं कितना शर्मिंदा हूं। अंदर ही अंदर मेरी आत्मा मुझे धुतकार रही है। अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगे तो मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। जीना तो आपने मेरा मुश्किल कर रखा है। ये जो फांसी का फंदा डाल दिया है ना, ये पल पल मेरा गला घोट रहा है। जब ये मुझे माफ नहीं कर रहा है तो मैं आपको कैसे माफ कर सकती हूँ? सरोज, औरत होने के नाते मैं इस बंधन को तोड़ नहीं सकती। आप आगे बढ़िए, तोड़ दीजिए इस मंगलसूत्र को, मुझे भी कुछ आजादी के साथ लेने दीजिए। क्या सोच रहे हैं, इस बंधन को गले में डालते हुए जब आपके हाथ नहीं कांपे, आज आपके हाथ रुक चुके हैं। चाहिए, आपके लिए तो खेल खत्म हो चुका है, मगर मुझे तो जिंदगी भर इस नाटक को निभाना है। सरोज, मेरे गुनाहों की इतनी बड़ी सजा मत दो। मैं अपनी आंखों के सामने तुम्हें तड़प तड़प कर जिंदगी गुजारते हुए नहीं देख सकता। मदद कर सकती हूँ?
वो सरोज नाम की लड़की ऊपर आपका इंतजार कर रही है। क्या कहा सरोज? सरोज तुम आ गई, मैं समझ गया। मैं भी सब कुछ समझ गई। लक्ष्मी तुम यहाँ इस वक्त? ताज्जुब हुआ, मुझे भी बड़ी हैरानी हुई थी सुबह, इतना बड़ा हीरो और एक मामूली सी नौकरानी का हाथ थामकर उससे अपने प्यार की भीख मांग रहा था। लक्ष्मी यही तो बुरी आदत है लक्ष्मी में, सच कहने से नहीं डरती, लेकिन एक सच ऐसा है जो लक्ष्मी आज तक नहीं कह सकी, वही कहने आई हूँ। बहुत देर हो गई है, घर जाओ। घर तो रोज ही जाती हूँ और देर भी रोज होती है, लेकिन आज मैं तुमसे जो कहना चाहती हूँ वो कहने में अगर देर हो गई तो मेरी दुनिया में अंधेर हो जाएगा। ये आज तुम्हें क्या हो गया है? आज तो बहुत कुछ हो गया। वो लक्ष्मी जिसे अपने आप पर बहुत नाज था, आज उसने अपने गुरूर के सारे बंधन तोड़ दिए हैं। आज जो लक्ष्मी तुम्हारे सामने खड़ी है वो है जो बचपन से तुम्हारी पूजा करती आ रही है। लक्ष्मी? हाँ विजय, बहुत चाहा है मैंने तुम्हें, बहुत तड़पी हूँ तुम्हारे लिए, बहुत इंतजार किया है तुम्हारा। आज मैं सब कुछ खो सकती हूँ लेकिन तुम्हें नहीं खो सकती। नहीं लक्ष्मी नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। जिस प्यार की तलाश में तुम यहाँ आई हो वो मुझसे तुम्हें कभी नहीं मिल सकता। और मैं इस प्यार को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। लक्ष्मी लक्ष्मी तुम होश में हो या नहीं? मैं होश में आना भी नहीं चाहती, मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि लक्ष्मी चली जाओ यहाँ से अभी इसी वक्त। क्यों, क्या कसूर है मेरा? यही कि आज तक मैं अपने दिल की बात जबान पर नहीं हिला सकी, और क्या कमी है मुझ में? हाँ लक्ष्मी, लक्ष्मी मैं कैसे समझाऊं तुम्हें? क्या तुम मुझे समझा भी कह सकते हो? उस दलील नौकरानी की खातिर तुम मेरी मोहब्बत को ठुकरा रहे हो? लक्ष्मी एक आवारा लड़की जिसके ना खानदान का पता है और ना इज्जत का। लक्ष्मी कौन जाने किस कोठी का खून है जिसे तुम अपनी कोठी की जीनत बनाना चाहते हो? जरा ठहरो शंकर। जी राय साहब। ड्राफ्टिंग करते वक्त अगर कुछ पूछना हो तो मुझे टेलीफोन कर देना, मैं यहीं रहूंगा। वो तो ठीक है राय साहब, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, ये अचानक आपने अपनी वसीयत बदलने का इरादा कैसे कर लिया? ये बात ना पूछो ना समझने की कोशिश करो, जो कुछ बदलना है बदलने के बाद कल शाम तक विजय के घर पहुंचा देना। जी बहुत बेहतर। जाजी अपनी वसीयत बदल रहे क्यों? सजा देने वाले से माफ कर देने वाला इंसान ज्यादा महान होता है। तुम्हारी एक मुस्कुराहट मेरी जिंदगी बदल सकती है सरोज। धीरे हौले हौले धीरे धीरे हौले हौले आहिस्ता आहिस्ता गिर गई दीवार, गिर गई दीवार, हम यार मिल गए, दिल प्यार दुनिया दीवार, दिल और दीवार, दिल प्यार दुनिया दीवार। धीरे धीरे हौले धीरे धीरे हाले हाले आहिस्ता आहिस्ता गिर गई दीवार, हम यार मिल गए, दिल प्यार दुनिया दीवार, दिल और दीवार, दिल प्यार दुनिया दीवार।
शर्माते रहो हम प्यासे मर जाएंगे। मजबूरी मगर अब कैसी मजबूरी है, अब क्या इकरार अब क्या इनकार, हो गया जो प्यार दिलदार मिल गए, दिल प्यार दुनिया दीवार, दिल प्यार दुनिया दीवार, दिल और दीवार, दिल प्यार दुनिया दीवार, धीरे धीरे हौले हौले अलमारी में रख दो यार, पुलिस फंक्शन से लौटकर इत्मीनान से पढ़ लूंगा। भाई अगर तुम्हें देर ना हो तो रास्ते मुझे लिबर्टी के पास छोड़ते जाना। लिबर्टी के पास? हाँ, वहां तुम्हारी भाभी मेरा इंतजार कर रही है। वहां क्यों? बस अच्छा, तो भाभी को पिक्चर ले जाने का इरादा है। क्या करें भाई, हाई कमांड का ऑर्डर दे रहा। इधर आओ, ये और ये पैकेट यहां रहने दो, बाकी सब सरोज ने पहुंचा दो। ये सब यही रहने दो, तुम लोग जाओ। क्या बेहूदा हरकत, खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, जाओ। गेट लॉस्ट। देखता हूँ तेरी बदतमीजी दिन ब दिन बढ़ती जा रही। वो लोग गरीब हैं, बेसहारा हैं, अगर कुछ जरूरत की। मैं आपकी दया धर्म को अच्छी तरह समझ गई हूँ डैडी। क्या समझ गई? कि जिससे आपने इस घर में एक नौकरानी बनाकर रखा हुआ है, दरअसल वो दरअसल वो कौन है? एक आवारा और बच्चा। तेरे मुंह से ऐसे गंदे लफ्ज निकले कैसे? ये देखिए एक आया के साथ विजय की शादी करा के आपने बहुत पुण्य का काम किया है ना, लेकिन आप ये भूल गए डैडी कि आपकी ये जहरीली नागिन जहाँ एक तरफ मिस्टर विजय के गले में फूलों का हार डाल रही है, वहीं दूसरी तरफ अपने दूसरे प्रेमी के गले का हार बनी हुई है। बेवकूफ, जो मुंह में बक देती है, ये और कोई नहीं उसका अपना भाई है। ओहो, इसका मतलब ये हुआ कि आप पूरे खानदान को जानते हैं, इसलिए आपने जो कुछ किया अपनी मर्जी से किया। क्या किया मैंने? दुनिया की नजरों में मैं आपकी बेटी हूँ, लेकिन आपकी वसीयत में आपकी आधी जायदाद की मालिक आपकी नौकरानी है।
दे दीजिए, ये आपकी मर्जी नहीं है। मेरी बात सुन। अरे आज ही जायदाद क्या, सब कुछ उसे दे दीजिए, भेज दीजिए हमें फुटपाथ पर। मेरी बात सुन लक्ष्मी। मैं नहीं जानती थी कि कभी नहीं डॉक्टर आ रही, सब कुछ इससे रुक के चली जाएगी। तो मेरी बात सुनेगी नहीं। लक्ष्मी को इस दुनिया से नफरत हो गई है, अपने आप से नफरत हो गई है, आपसे नफरत हो गई है, मर गई आपकी लक्ष्मी। आप जाइए, हर जगह से जाइए, दुल्हन दुल्हन के देश को जाइए। अगर ये सच है बेटी, तो पिछले जन्म में जरूर मैंने कोई पुण्य किया होगा जिसका ये फल मिला। अच्छा हुआ ना? बहुत अच्छा हुआ डैडी। I'll shoot this bastard, Joseph! एक तो हमारा अड्डा बर्बाद हो गया, बिजनेस चौपट हो गया, पुलिस से छुपकर हम इस जंगल में बैठे हैं। ऊपर से ये हरामजादा हमें धमकी देता है, अगर इसके 20 लाख न मिले तो वो हमें बॉस, जब उनका पैगाम यहाँ तक पहुँच सकता है तो उनके हाथ किसी वक्त भी आपके गर्दन तक पहुंच सकते हैं। वो माफिया ग्रुप के बहुत जालिम लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें हमारा क्या कसूर है? जो माल उन्होंने दिया वो तो पुलिस ले गई। बॉस, ये सारा लफड़ा संदेश के क्राइम रिपोर्टर ने किया है, अपन तो टिच करके फिट किया था। टिच करके फिट तो अभी हो सकता है पीटर, और हमारा ये सारा नुकसान अब उन्हें ही पूरा करना होगा। नंबर 9। यस बॉस। सुना है कि राय साहब को अपनी छोटी बच्ची से बहुत प्यार है, और अगर वो छोटी बच्ची हमारे पास यहाँ पहुंच जाए तो हमारी ये 20 लाख की हुंडी फौरन राय साहब कैश कर देंगे। लेकिन ऐसे काम में खतरा भी तो हो सकता है। ओह, देयर इज नो प्रॉब्लम। बच्ची लंगड़ी है, बाप को काम से फुर्सत नहीं, बड़ी बहन को क्लब से फुर्सत नहीं, भाई भाई को है नहीं उसका। ये काम तुम बहुत आसानी से कर सकते हो। नंबर 9। मैं? हाँ, ये काम तुम्हें ही करना होगा। ओके बॉस। बहादुरों की बहुत सख्त जरूरत है। एक क्राइम रिपोर्टर होने के बावजूद मिस्टर विजय ने पुलिस फोर्स की जो मदद की है उसकी तारीफ लफ्जों में नहीं की जा सकती। सच मानिए, आज पुलिस फोर्स की तरफ से इनके गले में यह मेडल पहनाते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। ऑफिसर्स, ladies and gentlemen, I am proud to be here on this 25th State Police Award function. I extend my Taro, Mr. Vijay. Rajan, how are you? अभी तक बेहोश है। आप अंदर नहीं जा सकते। आपको हमारे साथ चलना होगा पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन क्यों? आप पर इल्जाम है कि राय साहब के घर में जो हादसा हुआ है उसमें आप भी शरीक हैं। व्हाट? तुम कहना चाहते हो कि मैं? ये लोग तो अपना नीच काम कर चुके हैं इंस्पेक्टर साहब, अब आप अपना फर्ज निभाइए।
इनकी पत्नी तो हवालात में पहुंच ही चुकी है, लगा दीजिए पति को भी हथकड़ी। लक्ष्मी, मुझे सब पता चल गया है, वो जलील नौकरानी दरअसल तुम्हारी पत्नी है, और जो शख्स रानी को उठाकर ले गया वो तुम्हारी पत्नी का भाई। आज तुम सबकी साजिश की वजह से मेरे डैडी की ये हालत हुई है। इंस्पेक्टर साहब, आप सोच क्या रहे हैं, गिरफ्तार क्यों नहीं करते इन्हें? वक्त जाया मत कीजिए, चलिए मिस्टर विजय। देखो राजन, मुझे पर्दा पड़ा है, उसे हटाना है। पर्दा हटाने आए हो या पुलिस से छुपने के लिए इस घर के पर्दे की आड़ लेना चाहते हो? मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ, छोड़ो। लक्ष्मी, मुझे अपनी जिंदगी की परवाह नहीं, लेकिन एक मासूम बच्ची की जिंदगी खतरे में है। मैंने उसकी जिंदगी की खातिर अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी है, लेकिन मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? जिस सरोज को तुम मुजरिम समझ रहे हो, वो मुजरिम नहीं है। कह दो कि वो तुम्हारी पत्नी भी नहीं है। मेरा उसके साथ कोई रिश्ता हो ना हो, तुम्हारा उससे बहुत नाजुक रिश्ता है। सरोज तुम्हारी बहन है। हाँ, वो भी राय साहब की ही बेटी है, और बदकिस्मती से जिस शख्स ने रानी को किडनैप किया है वो भी राय साहब का ही बेटा है, यानी कि वो भी तुम्हारा भाई है। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यही हकीकत है, और दूसरी हकीकत क्या है वो भी बता देता हूँ। मेरी और सरोज की शादी किन हालात में हुई, कैसे हुई, उसके पीछे भी तकदीर का बहुत बड़ा हाथ है। अपने भाई आनंद की जिंदगी बचाने के लिए एक दिन, अब तो सारी हकीकत तुम्हारे सामने आ गई। तकदीर ने जो मजाक तुम्हारे डैडी के साथ किया है उससे कहीं ज्यादा भयानक मजाक मेरे साथ हुआ है। अब तुम चाहो तो पुलिस को फोन कर सकती हो। लगता है उन्हीं लोगों को फोन है। तुम चुपचाप सुनती रहो, बिल्कुल कुछ नहीं कहना। उम्मीद है अब तक आपका गुस्सा ठंडा हो गया होगा। आपकी बहन की जिंदगी की कीमत सिर्फ 20 लाख रुपए है, और ये मामूली सी रकम कैश की सूरत में हमें कल तक मिल जानी चाहिए, वरना आपकी बहन का क्या अंजाम होगा वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। रकम कब और कहां पहुंचानी है ये कल आपको ठीक 4 बजे बता दिया जाएगा। हमारे फोन का इंतजार कीजिएगा। हाय राम, इस खानदान ने तो हमारे खानदान की खटिया खड़ी कर दी। मैं मुंह किसी को नहीं दिखा सकती, अब सारे मोहल्ले में मेरी नाक कट गई। क्या हुआ भाभी? ले पढ़ के बताई से कि इसकी बेटी ने क्या गुल खिलाया है। तस्वीर छपी अखबार में उसकी। अखबार में तस्वीर छपी है, किस लिए, क्या बात हुई, मुझे भी तो बताओ। तुम्हारी बेटी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, हथकड़ी लगाई है। हथकड़ी? हथकड़ी किस लिए, ऐसा क्या कसूर किया है मेरी बेटी ने? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अखबार में लिखा है जिस सेठ के घर वो नौकरी करती थी उसी सेठ की लड़की को सरोज का भाई उठा कर ले गया है, और 20 लाख रुपए उसकी जिंदगी की कीमत मांगी है। नहीं, नहीं। और ये भी लिखा है कि इस तमाम चक्कर में दोनों भाई बहन मिले हुए थे, और भाई ने जानबूझकर बहन को वहाँ नौकर रखवाया था ताकि मौका मिलते ही दोनों मिलकर काम कर सकें। नहीं, नहीं। और सुनो, इनका एक तीसरा साथी भी था जो राय साहब का बेटा बना हुआ था। तुम्हारे लिए तो खुशी की बात यह है पार्वती बहन कि तुम्हारी लड़की ने उस तीसरे चोर के साथ छुपकर शादी भी कर ली है। क्या, क्या गहरी चाल चली है भाई बहन और पति पत्नी ने, भला पुलिस की आंखों में कोई धूल झोंक सकता है? सबको फांसी होगी, फांसी। इसे क्या हुआ, जरा देखो तो। अरे होना क्या है, बहाने कर रही है, अब मैं इसे अपने घर में नहीं रखने वाली। चल निकल यहाँ से, चल निकल। इसे उठा रही हो, मुर्दा भी कभी उठा है क्या?
मर गई। हेलो हेलो कमिश्नर साहब। विजय ये मैं क्या सुन रहा हूँ, तुम कहाँ हो? मैं जहाँ भी हूँ यकीन रखिए आपसे दूर नहीं। आपने जो मेडल मुझे दिया है उसकी कसम खाकर कहता हूँ कि मैं निर्दोष हूँ। और वो लड़की जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है वो भी बेकसूर है। असली मुजरिम कौन है? अगर आप मुझे 12 घंटे की मोहलत दें तो मैं सारी गुत्थी सुलझा सकता हूँ। मुझे तुम पर भरोसा है विजय। वो लड़की जो आपकी हिरासत में है अचानक इस सदमे से उसकी माँ की मौत हो गई। इस आखिरी वक्त में अगर उसे अपनी माँ के दर्शन की इजाजत मिल जाए तो ये मुझ पर एहसान होगा। इत्मीनान रखिए उस लड़की की पूरी जिम्मेदारी मुझ पर है। तुम फिक्र मत करो बेटे, मैं अभी उसका बंदोबस्त करता हूँ। विजय कमिश्नर साहब से कहकर आपने जो ये माँ बेटी का आखिरी मिलन कराया है देखा नहीं जाता। जब से ये लड़की गिरफ्तार हुई है इसकी जबान खामोश है। इस खामोशी के अंदर कितने तूफान करवटे ले रहे हैं ये तुम नहीं जान पाओगे इंस्पेक्टर। आखिर कब तक लाश को इस तरह रखा जाएगा? अर्थी कौन उठाएगा? अर्थी तो कोई ना कोई उठा ही लेगा, लेकिन लाश के सामने डोली लेकर उसके बेटे को ही चलना होगा। वो तो है ही नहीं, फिर बेचारी को रास्ता कौन दिखाएगा? इसकी मुक्ति कैसे होगी? घर का दामाद भी तो बेटे के बराबर होता है। मां की मुक्ति के लिए इनके अर्थी को रास्ता मैं दिखाऊंगा। वक्त हो गया है, आइए। चली तरसती चली लोगों
को याद करती चली। सकती नहीं थी मगर ये देखती थी किसकी डगर, ये देख सकती नहीं थी मगर ये देखती थी किसकी डगर, किसको पता ये किसको खबर, किस लिए तड़पी ये सारी उम्र, किसके लिए ये तड़पती चली चली, लोगों ये किसकी अर्थी चली, माँ बेटे को याद करती चली, माँ बेटे को याद करती चली। इसकी चिता को क्यों आग दी, इसको जरूरत क्या आग की, ये अपने माल लाई हो? इसमें माल भी है और तुम्हारी जिंदगी से ज्यादा कीमती एक और चीज भी है। मेरी जिंदगी से ज्यादा कीमती चीज? हाँ। ये तो मेरी मां की तस्वीर है। हाँ, ये तुम्हारी मां है, ये तुम्हारी बहन सरोज, ये तुम और ये मेरी डैडी। तुम्हारे डैडी? हमारी डैडी। रानी को उठा के ले जाने के लिए तुमने जिन्हें जख्मी किया, जो अस्पताल में पड़े अपनी जिंदगी की आखिरी घड़ियां गिन रहे, एक दिन उन्होंने ही तुम्हें जन्म दिया था। क्या? मुझे भी ये सब कुछ पहले नहीं मालूम था, लेकिन आज ओ, अभी तक नंबर 9 नहीं पहुंचा। अच्छा, अभी तक तुझे यहां जाना चाहिए था। तुम्हें जहां जाना चाहिए था तुम वहां भी नहीं पहुंचे। तुम्हारी मां की चिता को हाक भी विजय नहीं दी। तो क्या जिस आदमी के साथ विजय था वो मेरी मां की थी? देखा लक्ष्मी, जाते जाते भी मां अपने बेटे को अपने आंचल की छांव देना नहीं भूली, और मैंने
पुलिस से बचने के लिए अपनी ही माँ की अर्थी का सहारा लिया। अब बदनसीब हूं मैं, अपनी अपनी माँ के आखिरी दर्शन भी नहीं कर सका। विजय ने अपना फर्ज पूरा किया है, अब मेरी बारी है, चलो मेरे साथ। कहाँ भैया? एक बहन को पाकर अब दूसरी बहन खोना नहीं चाहता मैं, चलो। वाह वाह नंबर नाइन, भाई बहन के मिलन का ड्रामा एकदम पिच करके फिट कर दिया। बेफिकर, मेरे रास्ते से हट जा, वरना इस बार मैं तुझे फिट करके टिच कर दूंगा। अच्छे हो, माल पीटर के हवाले करो। अब तेरी मौत में सिर्फ एक पल का फासला रह गया है। नहीं भैया, मैं सब कुछ देख सकती हूँ, लेकिन अपने भैया के खून से रंगे हाथ कभी नहीं देख सकती। हट जाओ लक्ष्मी, ये हाथ तो बहुत पहले मैं जज रघुनाथ के खून से रंग चुका हूँ। इधर ही तुम मार खा गया ना नंबर नाइन, जज रघुनाथ का मर्डर तुम्हारे रिवॉल्वर से नहीं, आपन का राइफल से फैला है। पीटर, हाँ, इस बहन ने आज आपन की जान बचाया है, आपन भी तुम दोनों के लिए ये जान टिच करके फिट कर देगा। चलो चलो बहन चलो। हेलो बॉस, नंबर सेवन हियर, जो लड़की पैसे लेकर आई है वो नंबर नाइन की बहन है, वो और पीटर दोनों मिल गए हैं और आपको खत्म करने। बॉस सब चीज करके फिट कर दिया। फिक्र नॉट बॉस, माल के साथ इंटरेस्ट भी लाया ला। माल लेकर ऊपर आओ। नंबर नाइन, तुम्हें तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं, तुम हमारे इंटरेस्ट का ख्याल रखो। पीटर बॉस, माल लेकर ऊपर आओ। अब भी आ बॉस, आओ। नंबर एट, गोली मत चलाना। पीटर हमारा बहुत पुराना भर्ती मास्टर है, इसने हमारी बहुत सेवा की है, इसकी जरा सी बेवकूफी के लिए हम इसे इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकते। अरे देखो इसके पाँव में चोट आ गई होगी। नंबर टू, उठाओ इसे और ले जाओ, आराम से चला दो हमेशा के लिए। नंबर नाइन, तुम भी बहुत बड़े नादान हो, एक बहन की जिंदगी के लिए दूसरी बहन को मौत के दरवाजे तक ले आए हो। तो तुम सबको जान चुके हो, तो फिर ये भी जान लिया होगा कि जिस फरेब के जाल में तुमने मुझे जकड़ रखा था वो जाल अब टूट चुका है। नंबर नाइन, मेरा नाम चंदू है, तुम अपनी कीमत वसूल कर चुके हो, मेरी बहन मुझे वापस कर दो। जरूर, हमें हमारा माल मिल चुका है तो तुम्हें तुम्हारी बहन भी मिल जानी चाहिए। लेन देन के मामले में हम बहुत ईमानदार हैं। ये ला। रानी, कमीने, अगर मेरी बहन को कुछ हो गया तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं। देख रहा हूँ कि चींटी को भी पर निकल रहे हैं,
हमसे रिश्ता तोड़कर तुम अपनी बहन को पाना चाहते हो? तुम्हें इसकी जिंदगी चाहिए और हमें इसकी मौत। Yeah!
ठीक हो गया है। बाहर सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं उनसे मिल सकता हूँ? जी हाँ जरूर, आइए। थैंक यू डॉक्टर। अरे डैडी, तू तो ठीक है ना मेरे बच्चे? हाँ। मुझे माफ कर दीजिए, मेरा बेटा। अपने बदनसीब बाप को माफ नहीं करोगे बेटी? बाबू जी, मैं आपको गलत समझी थी। मैं अस्पताल की खिड़की से भागकर आई हूँ जरूर। तो मरीज नहीं हूँ मैं, आपकी पत्नी हूँ।